एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है या नहीं। इज माई वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या सभी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जरा फटाफट कमेंट करके आप लोग मुझे बता देंगे। जितने भी लोग क्लास में हैं मुझे बता दें और मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है, वॉइस ऑडिबल है और वीडियो क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। क्लास थोड़ी देर तक चलेगी, इसलिए बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही तसल्ली के साथ आपको बैठना है और बिल्कुल रिलैक्स होकर के पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करनी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज तो सुनाई दे रही होगी, फिर भी लेट मी चेक वंस। तो बहुत बढ़िया, अभी मैं देख पा रहा हूँ क्लास में बहुत सारे लोग हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी मुझे देख पा रहे हैं। हिमांशी हैं, अंकिता हैं, ईशा हैं, अजीत हैं, संध्या, शिवम, मयंक, शिवानी, बहुत सारे लोग हैं। चलिए, अर्पित दुबे, ठीक है जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अविनाश, अंशुल, शिवम, सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो बात करना शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है, मैं आपको पहले ब्रीफ कर दूं कि सेशन के बारे में कि हम लोग कैसे इसको कवर करने जा रहे हैं और क्या पूरा प्रोग्राम है। पूरी की पूरी जीएस, आई रिपीट अगेन, कंप्लीट जीएस, पूरी की पूरी जीएस आपको 75 लेक्चर्स में मिलेगी, यानी कि कुल 75 लेक्चर्स में आपकी पूरी जीएस कंप्लीट हो जाएगी। इसमें अच्छी बात यह है कि ये 75 लेक्चर्स कंटिन्यू है आज से शुरू होकर के, और ये 75 लेक्चर लगभग 10 जून तक फिनिश हो जाएंगे, यानी कि 10 जून तक यदि आप चाहते हैं तो पूरी जीएस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। शुरुआत मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से हुई है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर कुल 9 लेक्चर्स होने हैं। आज के इस क्लास में हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर एक साथ कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर्स कवर होंगे, जिसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी कैसे क्या कहती है, कैसे ब्रिटिशर्स आए, कैसे उन्होंने एस्टेब्लिश किया अपने आप को, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल रहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग्स हुई वो कहाँ कहाँ पर हुई, किसने चेयर किया और क्या उसमें प्रमुख बातें की गई, ये सारी बातें होंगी। इसके अलावा जो वायसराय और गवर्नर जनरल रहे हैं, कौन से वायसराय और कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पर क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए या क्या क्या उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक मैप दिख रहा है, मैप में एक हिस्सा आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है इधर वेस्ट में, और एक हिस्सा इधर ईस्ट में ग्रीन दिखाई दे रहा है। बंटवारे के बाद ये ईस्ट पाकिस्तान बना था और इधर ये वेस्ट पाकिस्तान बना था, और बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वो वर्तमान का भारत जो आप देख रहे हैं वो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक फास्ट रिकैप में क्रोनोलॉजी देखेंगे, कहाँ से यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा शुरू करेंगे 1757 से। 1757 में देखिए क्या होता है, मुझे एक बार कमेंट करके बस आप इतना बता दें कि आपको मेरी वॉइस प्रॉपर ऑडिबल है और आपको ये चीजें विजिबल दिखाई दे रही हैं, क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए भाई, तो बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि 1757 में, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। बैटल ऑफ प्लासी जो है यही इंश्योर करता है ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया को, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी से अंग्रेजों को यह उम्मीद जग जाती है। ध्यान से समझना, बैटल ऑफ प्लासी से अंग्रेजों को यह उम्मीद जग जाती है कि अब भारत में हम लोग रूल कर पाएंगे, भारत में हम लोग रूल कर पाएंगे। लेकिन अभी भी एक जगह पर यहाँ पर मराठा अंग्रेजों के लिए एक चैलेंज बने हुए थे, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता था कि यदि मराठों को हम किसी भी तरीके से डिफीट कर पाए या हिंदुस्तान में कोई भी डिफीट कर पाए मराठों को, तो ये क्लियर हो जाएगा कि मराठा और ब्रिटिश में कौन बचेगा। तो यदि मराठा हार गए तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिश ही बचेंगे पावर के रूप में, और फिर यही अपने पावर को एस्टेब्लिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आप लिंक कर पा रहे होंगे। जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ से आगे कहानी लिंक हो रही होगी, नहीं लिंक हो रही होगी तो बताना मुझे, मैं थोड़ा और समझाने का प्रयास करूंगा। जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में मराठों की हार होती है अहमद शाह अब्दाली
जो आप पढ़ते हैं, तो उसके कारण से यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि अब इंडिया में 1761 के बाद ये क्लियर हो जाता है कि मराठा राज तो नहीं कर पाएंगे, यानी कि मराठा पावर इंडिया में शासन कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। चलो सर, आप लोग बता देंगे तो और बढ़िया रहेगा, है ना? ठीक है, बताते रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। 1764 में अंग्रेजों को एक ऑप्शन मिलता है बंगाल में, चूंकि इनका पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुका रहता है। बंगाल में जब पावर बढ़ चुका रहता है तो इस कंडीशन में 1764 में एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ बक्सर का। बैटल ऑफ बक्सर ही सबसे डिसिसिव वार था। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल के अंदर अंग्रेजों के द्वारा लड़ा गया जो सबसे डिसिसिव वार था वो कौन सा था, तो आप आंसर करेंगे कि इट वॉज द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध जो था वो सबसे निर्णायक था। बक्सर के युद्ध में आप जानते हैं कि तीन तीन संयुक्त सेनाएं लड़ रही थी। कौन सी संयुक्त सेनाएं? तीन संयुक्त सेनाएं लड़ रही थी बक्सर के युद्ध में। एक तरफ बंगाल का नवाब था, एक तरफ बंगाल का नवाब, उसके साथ अवध का नवाब, और उसके साथ मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड की जो आर्मी थी। तीनों ज्वाइंट आर्मी को हराने का काम अंग्रेजों ने किया बैटल ऑफ बक्सर के अंदर, और इसी से यह प्रमाणित हो गया कि अब मुगल इनसे लड़ नहीं पाएंगे। और फिर 1765 में एक इलाहाबाद की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी रियासत दे दिया गया। ध्यान से समझिएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी रियासत अंग्रेजों को मिल गया। लैंड टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का पावर मिल गया, और रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी का गवर्नर नियुक्त किया गया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी का गवर्नर नियुक्त किया गया, जबकि गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल पद शुरू हुआ वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ। वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना था बंगाल का, याद रखिएगा। लेकिन शब्द यदि गवर्नर पूछे कि 1765 में किसको लाया गया, तो आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव को। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की स्थिति कुछ ऐसी थी, मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूं कि साउथ इंडिया की स्थिति ऐसी थी कि अंग्रेज कर्नाटक युद्ध के माध्यम से कर्नाटक को तो जीत चुके थे, फ्रांसीसियों के ऊपर अपना कंट्रोल और कमांड करके कर्नाटक को जीत चुके थे। उनके सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ था मैसूर, क्योंकि मैसूर में बैठा हुआ था हैदर अली। तो हैदर अली को चैलेंज करना आसान नहीं था, लेकिन अंग्रेजों को मैसूर चाहिए था क्योंकि मैसूर बहुत समृद्ध राज्य था। इस बात को समझने का जरा प्रयास करिएगा, मैसूर बहुत समृद्ध राज्य था। समृद्ध राज्य क्या होता है? जहां पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होगा, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगा, वहां पर समृद्धि ज्यादा होगी। तो मैसूर के अंदर ये एक अच्छा स्कोप था अंग्रेजों के लिए। तो 1767-69 में इन्होंने पहला एंग्लो मैसूर वार शुरू किया। इसमें इन्होंने क्या करा, हैदर अली को हराने का प्रयास तो किया, लेकिन हैदर अली बहुत ताकतवर कूटनीतिज्ञ भी था वो, तो उसने अंग्रेजों को इनके द्वारा बनाए गए अलायंस को ही तोड़ करके वो अपने आप को काफी अच्छे से स्टैब्लिश किया, और यहाँ पर अंग्रेज पीछे हट गए। इसके बाद आप देखेंगे ये 1780 में यहाँ महाराजा रंजीत सिंह का जन्म आपको बताना इसलिए आवश्यक है कि अभी आगे चल करके जब आप देखेंगे एंग्लो सिख वार, तो वहां पर महाराजा रंजीत सिंह का आपको नाम मिलेगा। तो आप मोटा मोटा दिमाग में रखना कि 1780 के आसपास तो महाराजा रंजीत सिंह जन्म लेते हैं। तो यदि कोई ऐसा आपसे एंग्लो सिख वार का डेट 1780 के आसपास आने लगे, तो थोड़ा सा जोड़ पाएंगे आप कि भाई अभी तो यहाँ पर ये जन्म ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर युद्ध कैसे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1784 में देखिए एक बड़ी घटना होती है जिसको आप कहते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। इस बार अंग्रेज और ताकत से कोशिश करते हैं कि हम मैसूर को हरा पाएंगे। हाँ, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम और ताकत से अंग्रेजों इनको हरा पाएंगे, मैसूर को, हैदर अली को, लेकिन इसमें भी हरा नहीं पाते हैं। 1780 से 1784 तक युद्ध चलता है, और इसी युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु होती है। लेकिन हैदर अली की मृत्यु युद्ध से नहीं होती है, कोई दुश्मन से नहीं होती, बीमारी से होती है। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान बहुत अच्छे से युद्ध को आगे बढ़ाता है हैदर की मृत्यु के बाद। 82 में ध्यान दीजिएगा, 1782 में हैदर अली की मृत्यु होती है, और 82 में जब मृत्यु हो जाती है तो टीपू सुल्तान बहुत अच्छे से युद्ध को आगे बढ़ाता है। और युद्ध जीतने के बाद सुल्तान खान बहादुर का उपाधि धारण करता है, और जो टीपू था अब वो टीपू सुल्तान कहलाएगा। यानी कि सुल्तान
उसका एक उपाधि, उसके द्वारा धारण किया गया एक टाइटल था जो वो इस सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में अपनी विजय के बाद ग्रहण करता है। ठीक है, अच्छा आगे अभी और बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्लियर था कि अंग्रेज हार चुके थे सेकेंड वाले एंग्लो मैसूर वार में। इसी के पैरेलल आप उधर देख रहे थे कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में गवर्नर बनता है, और रॉबर्ट क्लाइव 1765 में ही बंगाल के अंदर डुअल गवर्नमेंट सिस्टम की स्थापना करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है कि बंगाल में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम की स्थापना किसने करा, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया। याद रखिएगा, जब बंगाल में पावर बढ़ रहा है अंग्रेजों का, तो वो कहीं ना कहीं मैसूर को आगे अपनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी बीच में 1773 में मैंने आपको बताया रेगुलेटिंग एक्ट आता है बंगाल में कि किस प्रकार से बंगाल का शासन चलेगा, अंग्रेज किस प्रकार से शासन चलाएंगे। इसके लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को समाप्त कर दिया जाता है 1772 में ही वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। यानी कि बंगाल में अब पूरी तरीके से जो शासन चलेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चलेगा। और आगे बढ़ते हैं तो इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट में आप जानते हैं कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात करी जाती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को अंग्रेज आगे बढ़ाते हैं, और अब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हमें मैसूर पर फिर से अटैक करना चाहिए, और इस बार प्रॉपर अलायंस बना करके 1790 और 92 में मराठों को और साथ में हैदराबाद को लेकर के मैसूर पर अटैक करते हैं। और यहाँ पर टीपू सुल्तान होता है, अपने राज्य की रक्षा कर रहा होता है, लेकिन इस बार टीपू सुल्तान कमजोर पड़ जाता है क्योंकि तीन तीन बड़े पावर लगे हुए थे। हाँ अंकित नमस्ते, तीन तीन बड़े पावर लगे हुए थे और इस बार टीपू सुल्तान कमजोर पड़ जाता है, और यहीं पर उसे एक संधि करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ श्रीरंगीपट्टनम। और आगे बढ़ते हैं, इस समय आप जानते हैं 1786 में आ चुका रहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है तो वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर के एक बड़ा निर्णय लेता है जिसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त। तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आता है। अभी आगे हम लोग सब पढ़ेंगे प्रॉपर उनके नाम के साथ, लेकिन अभी आप लोग टाइमलाइन को समझने की कोशिश करिएगा। 1719 में चौथा एंग्लो मैसूर वार होता है जिसमें पूरी तरीके से टीपू सुल्तान हार जाता है और इसकी डेथ होती है, क्योंकि यहाँ पर उसको कंपेल किया जा रहा था, उसको मजबूर किया जा रहा था कि तुम सब्सिडियरी अलायंस को मान लो, लेकिन वो सब्सिडियरी अलायंस को मानता नहीं है। और फिर लॉर्ड वेलेजली कहता है कि अब आपको हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, युद्ध करना पड़ेगा। यदि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसके बाद देखिए हमें समस्या होना शुरू होती है। कहां से हमें समस्या होना शुरू ये होती है कि जब, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है ध्यान से समझना आप लोग, कि जब कहा जा रहा है 1813 के चार्टर अधिनियम से कि भारत में इनको पावर दे दिया गया, किसको, क्रिश्चियंस को, भारत में क्रिश्चियंस को ये पावर दे दिया गया कि अब आप मिशनरी स्कूल चलाएंगे, तो बहुत कॉमन सेंस है कि उसका उद्देश्य है धर्म परिवर्तन करना। यानी कि हम हिंदुस्तान के अंदर, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की लोगों की मानसिकता को हम अंग्रेजी के रंग में रंगेंगे, राइट, धर्म में एंट्री शुरू होगी। अच्छा, धर्म में एंट्री शुरू होगी तो पहले से चली आ रही कुछ प्रथा जैसे सती या विधवा पुनर्विवाह ना करना, ये सब अंग्रेज अपने फायदे के रूप में देखेंगे, सोशल रिफॉर्म के रूप में देखेंगे, सामाजिक सुधार के रूप में देखेंगे। तो इसका प्रयास कहाँ से शुरू हो जाएगा, 1829 से। 1829 में गवर्नर जनरल होगा यहाँ पर बंगाल का, जिसका नाम होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। शिवम कह रहे हैं कि सर 1798 एक बार बता दीजिए। देखो 1798 में लॉर्ड वेलेजली आता है और ये सहायक संधि की बात करता है, और टीपू सुल्तान से कहता है कि आप इस सहायक संधि को मान लीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, पहले से चली आ रही संधि को भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। टीपू सुल्तान कहता है कि हम आपसे लड़ेंगे, और इसी के बाद 1799 में टीपू सुल्तान लड़ते हुए शहीद हो जाता है। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई समस्या है नहीं। आगे बढ़ते हैं, हमने क्या कहा कि सती प्रथा को प्रोहिबिट किया जाता है यहाँ पर 1829 में। इस पर आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सती प्रथा को जब प्रोहिबिट किया गया तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ईयर क्या था, 1829। ये सारे क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में पूछ जाते हैं आपसे।
युद्ध के बाद किसे गद्दी पर बैठाते हैं? नहीं, युद्ध के बाद मैसूर को कहा जाता है कि मैसूर अंग्रेजी सत्ता को स्वीकार करेगा और वहां पर इंडिपेंडेंट, ये मैसूर मतलब एक तरीके से ब्रिटिश अलायंस के तहत चलता रहेगा और वो चलता रहा, आजादी तक चलता रहा, ठीक है। 1830 तो राजा राम मोहन राय यहाँ पर इंग्लैंड जाते हैं। राजा राम मोहन राय को आप जानते हैं, यदि हम लोग इंडियन फिलोसफर्स की बात करें तो ये क्या होता है, भारतीय भारतीय फिलोसफर्स में इनका नाम सबसे ऊपर आता है, खास करके सोशल रिफॉर्म को लेकर के। इंग्लैंड जाते हैं, याद रखिएगा 1833 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर हम दूसरा पहलू आपको दिखाते हैं, 1839 में, याद करिए जरा, 1780 में पैदा होते हैं महाराजा रंजीत सिंह और 1839 में इनकी डेथ होती है। जब तक ये महाराजा रंजीत सिंह रहेंगे तब तक अंग्रेज, ध्यान से समझना एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ, जब तक महाराजा रंजीत सिंह रहेंगे तब तक अंग्रेज उस तरफ आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, यानी कि पंजाब की तरफ आगे बढ़ना अंग्रेजों के लिए मुश्किल होगा। अब यहाँ से थोड़ा कंटेक्स्ट को जोड़ने की कोशिश करना, मैंने क्या कहा था कि जब तक महाराजा रंजीत सिंह रहेंगे तब तक पंजाब की तरफ अंग्रेजों का बढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन उनकी डेथ होने के बाद आप यहाँ पर देखिए 1845, यदि आपको समझ में आ रही है मेरी बात तो यहाँ पर देखिए 1845-46 में पहला एंग्लो सिख वार होता है, यानी कि अंग्रेजों को अब यहाँ पर लगने लगता है कि अब हमें पंजाब चाहिए। सी कॉन्टेक्स्ट को समझिए, अंग्रेजों को बंगाल चाहिए, अंग्रेजों को मैसूर चाहिए, अंग्रेजों को कर्नाटक चाहिए, अंग्रेजों को पंजाब चाहिए, अंग्रेजों को अवध चाहिए। वजह क्या थी, ये सारे के सारे वो क्षेत्र हैं जहां पर कृषि बहुत अच्छे से होती थी। पंजाब की कृषि आज भी आप देखते हैं बहुत शानदार तरीके से होती है। उसकी खास वजह क्या है कि पंजाब की कृषि होने के पीछे कारण यह है कि पंजाब में पानी खूब है और मिट्टी खूब है, पांच नदियों के बीच का जो लैंड है बहुत फर्टाइल लैंड है। तो यदि पंजाब भी मिल जाएगा तो अंग्रेजों को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा आप देखेंगे तो दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक के बीच में कुछ बच नहीं रहा है, सभी के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र किसके पास आ गए, अंग्रेजों के पास। तो पंजाब चाहिए तो उसके लिए किससे लड़ना पड़ेगा, महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद जो सिख हैं उनसे लड़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है यहाँ पर 1845-46 में। इसके बाद 1852 में सेकेंड एंग्लो बर्मीज वार होता है, जो बर्मा का कुछ क्षेत्र था उसको एनेक्स करने के लिए, राइट। अब यहां से देखिएगा जरा कनेक्शन को समझने की कोशिश करना, 1858 यानी कि 1858 के बाद अंग्रेज किसी भी इंडियन टेरिटरी पर क्लेम नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यदि पावर समझाने की कोशिश करूं तो 1773 से लेकर के 1858 तक यहां पर कंपनी का शासन है, कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1858 से लेकर के 1947 तक आप देखेंगे तो ये ब्रिटिश क्राउन का शासन है भारत के अंदर, ब्रिटेन की महारानी शासन कर रही है भारत पर। तो जब ब्रिटेन की महारानी शासन कर रही है तो इस दौरान ब्रिटेन के लोग भारत में कोई भी टेरिटरी एक्वायर नहीं करेंगे, कोई भी नई टेरिटरी एक्वायर नहीं करेंगे। वो 1858 में ही साफ साफ लिखेंगे कानून के अंदर कि भारत में अब ब्रिटेन कोई भी नई टेरिटरी एक्वायर नहीं करेगा, यानी कि 1858 तक आते आते जो क्षेत्र भारत के ब्रिटेन में ब्रिटिश इंडिया में शामिल हो चुके थे वही ब्रिटिश इंडिया कहलाएगा, और जो राजा अभी अपना क्षेत्र बचा पाए थे या जो छोटे मोटे राजा बच गए थे वो आराम से अपना राज्य क्षेत्र चलाएं, उनको अलग से उनके ऊपर हमला नहीं होगा या उनका क्षेत्र अधिकार में नहीं लिया जाएगा, ऐसा कहना था ब्रिटेन का 1858 के अधिनियम से, ठीक है। 1848 में डलहौजी नाम का एक व्यक्ति आता है यहाँ पर गवर्नर जनरल बन करके, वो बहुत ही इनोवेटिव वर्क करता है भारत की तस्वीर को बदलने के लिए, उसी में से एक था रेलवे लाइन को ओपन करना। 1853 में उसने पहली बार रेलवे लाइन ओपन किया बॉम्बे से लेकर के ठाणे के बीच में, उसी ने टेलीग्राफ लाइन भी चलाई थी, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसकी एक और नीति थी जिसे आप कहते थे हड़प नीति, जो डलहौजी की नीति थी हड़प नीति, उस हड़प नीति के माध्यम से उसने कई सारी टेरिटरीज को मिलाने की कोशिश करी जिसको लेकर के बहुत बड़ा विवाद हुआ। इसी बीच में एक और घटना घटती है जिसको आप कहते हैं कि कारतूस के ऊपर जो बंदूक राइफल में कारतूस लगाई जाती थी उसके ऊपर जो वैक्स लगा था इसको सुरक्षित रखने के लिए, जो मोम लगा था, जो चर्बी लगी थी, कहा जा रहा था कि इस चर्बी में सुअर और गाय की चर्बी है,
और ये बात जो हिंदुस्तान के सैनिक थे अंग्रेजी बटालियन के अंदर, उनमें फैल गई। उनमें फैल गई तो सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी, हिंदू और मुस्लिम दोनों भड़क गए, और इतना भड़क गए कि मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने अपने अधिकारी को गोली मार दी, और उसी के बाद शुरू हुआ 1857 का विद्रोह, जिसे कई सारे विशेषज्ञों ने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा कि यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग जब विद्रोह शुरू हुआ तो इसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाई। जरा ध्यान से समझना, इलाहाबाद को अपनी इसने राजधानी बनाई। और जब ये वार शुरू हुआ तब ध्यान देंगे कि दिल्ली में मुगल बादशाह के पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकेंड, लास्ट मुगल एम्परर है, अंतिम, इसके बाद कोई मुगल एम्परर है नहीं। विद्रोह शुरू हुआ, विद्रोह के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। विद्रोह शुरू हुआ और विद्रोह को दबा दिया गया। लॉर्ड कैनिंग ने लिखा कि यदि हिंदुस्तान के सभी राजा साथ दिए होते तो हमें 1857 में ही भारत छोड़ करके जाना पड़ता, क्योंकि ये बहुत बड़ा वार हो सकता था, लेकिन रीजनल पावर के लिए सभी राजा लड़ रहे थे अपने अपने राज्य को बचाने के लिए, इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ा अचीवमेंट भारतीयों को नहीं मिल पाया। फिर भी इतना क्लियर हो चुका था कि हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, यानी कि लड़ाई युद्ध का जो आग था ना वो फैल चुका था, हम आगे लड़ लेंगे, ऐसा मैसेज यहाँ से शुरू हो चुका था। इसके बाद फेज बदलेगा, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ। लेकिन इसी बीच में देखिएगा, दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। एक व्यक्ति जिसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर हुआ करते थे, बाद में इनको लोग गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कहने लगे, और दूसरे महात्मा गांधी। इन दोनों लोगों का बर्थ ईयर आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, 1861 में 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर जी जन्म लेते हैं, और 1869 में महात्मा गांधी जी जन्म लेते हैं। ठीक है, ये ईयर इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रोनोलॉजी को सेट करने में आपके लिए थोड़ी आसानी होगी। यहाँ से कहानी कुछ इस तरह से बढ़ती है कि मैंने क्या कहा आपसे कि 1858 में 1858 में महारानी ने कहा कि अब ब्रिटेन शासन नहीं करेगा भारत पर, आई मीन टू से ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी। कंपनी रूल को एबॉलिश कर दिया गया, कंपनी रूल समाप्त कर दिया गया, और कहा गया कि अब ब्रिटेन की सरकार सीधे भारत को एक कॉलोनी के रूप में चलाएगी। लेकिन यहीं पर पद एक बदला गया जिसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को महारानी ने कहा कि ये वायसराय का पद होगा, और वायसराय अपनी काउंसिल के माध्यम से, अपने परिषद के माध्यम से भारत में कानून बनाएगा, और इस परिषद के माध्यम से काउंसिल एक्ट लाया जाएगा। जो पहला काउंसिल एक्ट लाया गया वो 1861 में लाया गया, और इस 1861 के काउंसिल एक्ट से कई सारे पावर वायसराय को दिए गए, स्पेसिफिक पावर दिए गए। यहां तक क्या पढ़ेंगे कि ऑर्डिनेंस जारी करने का भी पावर वायसराय को दिया गया 1861 के इस पर्टिकुलर काउंसिल एक्ट से। लेकिन यहीं से जब ये विद्रोह हो चुका था एक बार 1857 में, तो जो भारतीय थे उनके मन में एक बात तो आ चुकी थी कि हमें अपना कानून खुद बनाना है। तो हम बार बार कानून बनाने की मांग कर रहे थे, बार बार कानून बनाने की मांग कर रहे थे, और कानून बनाने की मांग जब बढ़ने लगी हमारी, अगले 20 वर्षों में हमारी मांग इतनी बढ़ गई कि 1885 आते आते वायसराय को ऐसा लगने लगा, लॉर्ड डफरीन को ऐसा लगने लगा कि यदि भारतीयों की मांग को पूरा नहीं किया गया तो ये विद्रोह पर उतर जाएंगे दोबारा से। तो उन्होंने, लॉर्ड डफरीन ने ए ओ ह्यूम के साथ मिलकर के सोचा कि क्या किया जाए। तो डिसाइड ये हुआ कि एक संस्था बनाई जाए जो भारतीयों की मांग को सिस्टमेटिक तरीके से रखेगी, और उस संस्था का नाम होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। क्या नाम होगा? INC। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। अब सोचिए जरा कि जिस इंडियन नेशनल कांग्रेस से आगे बढ़कर के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म होता है जब कांग्रेस बन चुकी है उसके बाद। यदि स्टेटमेंट में कभी ऐसा सवाल पूछ दे आपसे कि जब कांग्रेस बनी तब पंडित नेहरू का जन्म नहीं हुआ था, तो स्टेटमेंट ठीक होगा, क्योंकि इनका जन्म हो रहा है 1889 में, राइट। इसी के बाद एक और व्यक्ति जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, इनका भी जन्म होता है 1897 में, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी, जरा मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा, कांग्रेस के बनने तक सब कुछ क्लियर है? आज सब कुछ क्लियर होगा, यदि आप पढ़ते रहेंगे लास्ट तक, तो कांग्रेस के बनने से लेकर के कांग्रेस के द्वारा किए गए बड़े बड़े जो कार्य हैं वो, प्लस जो वायसराय ने अपने कार्य किए हैं वो, सब कुछ आज क्लियर होता हुआ चला जाएगा।
1885 में कांग्रेस बनी, लगातार हम डिमांड कर रहे थे चीजों का, लगातार हम डिमांड कर रहे थे। 1892 में देखिए बात थी पैसे की, बजट की। 1892 में हमारे बहुत डिमांड करने के बाद अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, बजट पर चर्चा करने का पावर हम आपको देते हैं, मतलब नाउ यू विल हैव पावर टू डिस्कस ऑन द बजट। इसके बाद जब उन्हें ये लगने लगा अंग्रेजों को कि भारतीय अब नहीं संभल पाएंगे, तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई जिसको कहा गया डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, ये उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी 1905 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और उन्होंने बंगाल को विभाजित किया। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था। लॉर्ड कर्जन की नजर में भारतीय लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी। उसने बहुत ही सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू का हवाला देते हुए कि बंगाल बहुत बड़ा है, शासन करने में प्रॉब्लम हो रही है, और ऐसा हवाला देते हुए उसने बंगाल को विभाजित किया दो हिस्सों में। दो हिस्सों में विभाजन के साथ ही बंगाल में विद्रोह की आग भड़क जाती है। अब चूंकि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब 1885 में कांग्रेस बनी थी तो इसमें दो विचारधारा के लोग थे। एक गरम दल के लोग थे जो ये कह रहे थे कि नहीं भैया अंग्रेज, तुम लोग यहाँ से छोड़ के भाग जाओ, भारत से यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक बात है, 1891 में आया था और 1891 का जो काउंसिल एक्ट था वहां से हमें पावर मिली थी। 1892 अनवर्ड्स हमने डिस्कशन शुरू कर दिया था, यानी कि एक्ट आने के बाद जो पहला डिस्कशन हमने किया था वो 92 में किया था। ठीक है, देयर इज नो एनी डाउट। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल। तो नरम दल के लोग ये कह रहे थे कि अंग्रेज जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, इनके साथ मिल करके काम करिए, और गरम दल के लोग ये कह रहे थे कि नहीं, अंग्रेजों को छोड़ करके भाग जाना चाहिए। ऐसे में जब यहाँ पर बंगाल का पार्टीशन हुआ तो जो गरम दल के लोग थे वो ज्यादा उग्र हो गए। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस में हमें रहना नहीं है। मीटिंग तो हुई लेकिन कुछ खास परिणाम निकला नहीं 1906 में, और 1907 में आप देखेंगे तो कांग्रेस टूट जाएगी। सूरत में एक अधिवेशन होगा और वहीं पर कांग्रेस दो भागों में बंट जाएगी, गरम दल और नरम दल में। अब अंग्रेज इस चीज को, इस आग को और हवा दें, पार्टीशन की आग को और हवा दें। देखिए इसमें उन्होंने चाल क्या चली थी कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे उसको पूर्वी बंगाल के रूप में बांट दिया, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे उसको पश्चिमी बंगाल के रूप में बांट दिया, और कहा गया कि मुसलमानों को यदि पावर चाहिए, उनको यदि सत्ता में बने रहना है तो उन्हें अपना एक संगठन बनाना पड़ेगा, और उसी हिसाब से एक प्रॉपर जो है मीटिंग हुई उनकी, और कहा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना की जाएगी, और 1906 में मुस्लिम लीग बनाया गया। क्या बनाया गया? मुस्लिम लीग। अब नींव पड़ गई धर्म आधारित राजनीति की 1906 में मुस्लिम लीग। यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग शुरू हो गई, और 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म में पहली बार मुस्लिम के लिए, मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी गई, पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये बंगाल विभाजन कहीं ना कहीं लॉर्ड कर्जन के ऊपर भारी पड़ रहा था, इसलिए महारानी को लगा कि स्थिति बिगड़ सकती है हिंदुस्तान में, इससे अच्छा है कि स्थिति बिगड़े उससे पहले कुछ बड़े स्टेप लिए जाएं। तो 1911 में कहा गया कि दिल्ली दरबार लगेगा और किंग एंड क्वीन, यानी कि इंग्लैंड की महारानी और राजा दोनों इंडिया विजिट करेंगे, और यहीं पर यह निर्णय लिया जाएगा कि अब राजधानी जो होगी हिंदुस्तान की वो कलकत्ता से शिफ्ट करेंगे दिल्ली। ध्यान से समझना, फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हैं आप। हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट होगी, ऐसा निर्णय लिया गया 1911 में, और 1912 में शिफ्ट कर दिया गया। अभी तक हिंदुस्तान की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता में। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आतंकवादी गतिविधियां जो हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं, जो देश को मजबूत करने वाली थी, वो चल रही थी बैकएंड में, कुछ बाहर रह करके हिंदुस्तान से और कुछ हिंदुस्तान के अंदर रह करके। लेकिन इसी बीच में 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू होता है। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, हाँ, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था।
रीऑर्गेनाइज किया गया था, अलग अलग राज्य बनाए गए थे 1912 में, इसीलिए आप पढ़ते हैं बिहार राज्य आपका कब बना था, 1912 में बना था। इसी प्रकार से असम और ये सब जो राज्य हैं वो अलग करके रीऑर्गेनाइज किया गया था। अभी आगे हम लोग आ रहे हैं 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। पहले विश्व युद्ध में कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की जरूरत पड़ती है, और रेफरेंस समझिएगा कि भारत का जो सैनिक होगा, भारत का सैनिक समुद्र पार नहीं करेगा, ऐसा उसकी संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़ा रहेगा। तमाम दबावों के बाद तमाम वादे किए जाते हैं कि जब हम जीत करके आएंगे प्रथम विश्व युद्ध तो हम हिंदुस्तान को आजाद कर देंगे, जब हम जीत करके आएंगे तो हिंदुस्तान को आजाद कर देंगे, हिंदुस्तान को आजाद करेंगे। जीतने के बाद प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब होता है? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, आप जानते हैं, ये विश्व युद्ध समाप्त होता है 1919 में। लेकिन जब ये जीत करके आते हैं, सबके कमेंट तो आ रहे हैं भाई, शिवम जी, शिवम सबके कमेंट आ रहे हैं। आप लोगों को यदि कोई असुविधा हो रही हो तो एक बार दोबारा से आप लोग जितने भी लोग क्लास में हैं बस एक बार मुझे यस लिख के भेजिए कि क्या सभी लोगों को क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, जितने भी लोग क्लास में हैं एक बार मुझे सभी लोग कमेंट कर दें, क्योंकि मुझे सबके कमेंट सुनाई दे रहे हैं और आई थिंक बेहतर दिखाई भी दे रहे हैं। ठीक है, ओके फाइन। मयंक प्रताप, अनुज पांडे, गौरव, ईशा, पंकज, शिवम, अपूर्वा, अंकित, अर्पित, राहुल, राइट, बहुत सारे लोग हैं। बफरिंग हो रही है बीच बीच में सर, बफरिंग। ईशान, ओके फाइन, क्लियर है सबको। अंशु, शिवानी, आई थिंक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है, क्लियर, ओके, सौम्या जैन, फाइन। पढ़ते आगे, शिखा सिंह, गुड। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि 1919 में वर्ल्ड वार समाप्त होगा और इस समय हमको आजाद किया जाना था, लेकिन हम लोगों ने अंग्रेजों की नीतियों को पहले ही भांप लिया और 1916 में, क्योंकि यहीं पर देखेंगे आप 1915 में गांधी भारत में आ चुके हैं, लेकिन जब गांधी भारत में आएंगे तो वह एक साल तक तो केवल घूमते रहेंगे, आते ही वो राजनीति में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, एक साल तक वो घूमेंगे और जो सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था उसी प्रयोग को यहाँ पर यूज करेंगे। लेकिन इतनी बात तो समझ में आ चुकी थी कि जो कांग्रेस पहले टूट चुकी थी उस कांग्रेस को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग रह करके लड़ाई नहीं जीती जा सकती है, एकता में शक्ति होती है, ये बात समझ में आ रही थी। और एनी बेसेंट और बीजी तिलक ये लोग होम रूल की बात कर रहे थे, तो होम रूल की जब बात कर रहे थे तो होम रूल दोनों लोगों का डिमांड था, तो दोनों लोगों से कहा गया कि आप लोग एक साथ मिलकर के बैठ जाओ। कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल और मुस्लिम लीग को भी समझाना पड़ा कि देखो आप अलग रह करके अपनी बात नहीं मनवा पाओगे। तो यहाँ पर लखनऊ में बैठ करके एक समझौता हुआ और जिसे आप लखनऊ पैक्ट कहते हैं, जिसमें कांग्रेस शामिल थी, मुस्लिम लीग शामिल थी, कांग्रेस के गर्म दल और ये सब। इसके बाद से 1919 में जब कहा गया कि आप आजाद कर दीजिए हिंदुस्तान को, तो उन्होंने आजाद करने के बजाय एक अधिनियम पारित किया, रौलट एक्ट। 1919 में रौलट एक्ट पारित हुआ और उस रौलट एक्ट के विरोध में ही कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और वहीं पर जलियांवाला बाग कांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो हिंदुस्तान के अंदर एक मातम छा गया। मातम छाने के साथ ही साथ एक बहुत बड़ा नफरत, नफरत इस प्रकार से कि जो मॉडरेट्स लोग थे जैसे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर या इस प्रकार के जो दूसरे लोग थे जो ये कह रहे थे कि अंग्रेज अच्छा कर रहे हैं और इनके साथ मिल करके आप काम करिए, हिंदुस्तान के लिए अच्छे कानून की जरूरत है और वो अच्छा कानून बनाएंगे, उनके पास अब कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था, क्योंकि जलियांवाला बाग कांड एक नृशंस हत्या थी निर्दोष लोगों के ऊपर, या यूं कह सकते हैं कि निहत्थे लोगों के ऊपर लगातार गोलियां चल रही थी। काफी दुखी हो गए लोग और यहां से महात्मा गांधी को लगा कि अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है एक बड़े आंदोलन का, क्योंकि महात्मा गांधी के इससे पीछे के 1917 के 1918 के आंदोलन बहुत सफल रहे। उन्होंने इन आंदोलनों को आधार बनाते हुए डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है हमें एक बड़े आंदोलन का। संयोग से इसी समय आप देखेंगे हाँ बिल्कुल अर्पित, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना पुरस्कार लौटा दिया था जलियांवाला बाग कांड से दुखी होकर के। इसी बीच में आप देखेंगे कि जब विश्व युद्ध समाप्त हो रहा है तो तुर्की में खलीफा का पद खतरे में पड़ जाता है। तुर्की में खलीफा के पद को बचाने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान भी खिलाफत आंदोलन चला रहे होते हैं, यानी कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी अंग्रेजों से इस समय
दुखी हैं और अंग्रेजों से नाराज हैं और उनसे उनको भगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक इसी समय गांधी को ऐसा लगता है कि हमें भी असहयोग शुरू करना चाहिए। असहयोग का मतलब होता है नॉन कोऑपरेशन, यानी कि अंग्रेजों को कोई कोऑपरेट ना करे हिंदुस्तान के लोग। और इसी समय गांधी ने बड़ी ही चालाकी और होशियारी से बहुत ही अच्छे तरीके से असहयोग और खिलाफत को आपस में मिला दिया। यानी कि अब एक ऐसा वक्त था जब हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ मिलकर के अंग्रेजों से लड़ रहे थे और गांधी को ऐसा अवसर दिखाई देने वाला निकट भविष्य में दूर दूर तक नहीं था। इसीलिए गांधी ने कहा कि यही सही समय है, मिलकर के लड़ो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गांधी ने कहा था कि आपको सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके आगे बढ़ना है, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर। लेकिन समस्या क्या थी, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर तो चल रहे थे, लेकिन 1922 में एक बड़ी घटना घटी जिसे आप कहते हैं चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा कांड होता है। कांड का मतलब कि थाने में बंद करके जिंदा पुलिस वालों को जला दिया जाता है। ये एक प्रकार की हिंसा थी और इसी हिंसा से दुखी होकर के गांधी जी ने कहा कि अब हम असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं, असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं। गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद किया और 1923 में गांधी से नाराज होकर के जो कांग्रेस और खिलाफत के लोग थे उन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल बना लिया। 1923 में स्वराज दल बना लिया, उद्देश्य वही था सेल्फ रूल करना। लेकिन स्वराज दल बनाया मुख्यतः मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। जरा बात को समझिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर के क्या बनाया, स्वराज दल बनाया। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि ये जो स्वराज दल था ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था कि यदि अंग्रेज हमें डोमिनियन स्टेटस भी दे देते हैं तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अब आगे जब देखेंगे, जब पंडित नेहरू का मान संभालेंगे तो वो कहेंगे कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, राइट। अच्छा, माहौल थोड़ा सा बिगड़ रहा है। अब अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब हिंदुस्तान में हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार के कानून बनाने चाहिए। इसी बीच में 1927 में हिंदुस्तान में किस प्रकार के कानून बने इसकी समीक्षा करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए एक कमीशन इंग्लैंड से बनाया गया जो 1928 में भारत में आता है। इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं होता है। हिंदुस्तान के लोगों की नाराजगी ये होती है कि आप हमारे ही ऊपर कानून बनाने जा रहे हो और आप यहाँ पर कोई भी भारतीय नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये ठीक नहीं है, इसका हम बाइकॉट करेंगे। बाइकॉट करते हैं और बाइकॉट में साइमन कमीशन को लेकर के गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, यानी कि इस कमीशन को ठुकरा दिया जाता है। 1928 में इसी कमीशन के गो बैक के नारे के लाठी चार्ज में ही लाला लाजपत राय को चोट लगी थी और इनकी मृत्यु हो जाती है 1928 में। इसी को ध्यान में रखते हुए सरदार भगत सिंह और दूसरे लोग बहुत नाराज होते हैं और असेंबली में बम वगैरह फेंकते हैं, कई सारे उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। इवन की जो लाहौर में गोली चली थी उसमें भी नाम डाला जाता और कहा जाता कि गोली मारने में इन्वॉल्व थे। ये सब कहानी पूरी जोड़ करके उनको फांसी की सजा सुनाई जाएगी आगे, तो आप देखेंगे 1931 में उनकी फांसी होगी, ठीक है। बारदोली सेशन में नान कोऑपरेशन वापस लिया था सर, बिल्कुल अभी आ रहे हैं उसी पर। बारदोली में ही उस समय गांधी थे जहां उन्होंने डिसाइड किया था, जहां से उन्होंने बोला था कि हम अब चौरी चौरा घटना से दुखी होकर के नान कोऑपरेशन को बंद करेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है। 1929 में पंडित नेहरू कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, पूर्ण स्वराज की बात करते हैं लाहौर सेशन के अंदर। अभी सेशन सारे हम लोग आज ही क्लास में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। मतलब अब 1929 में 26 जनवरी को हमें यह क्लियर था, 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार तिरंगा लहरा करके यह बताया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस हमें चाहिए नहीं। और इसी बीच में गांधी दोबारा से अपना एक आंदोलन शुरू करते हैं नमक को लेकर के, जिसे हम लोग नमक सत्याग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे, नमक सत्याग्रह। वजह क्या थी, हाँ बिल्कुल, लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था, गुड अर्पित। तो अब हमने यहाँ पर डिसाइड क्या किया, अब हमने ये डिसाइड किया कि भैया देखो नमक हम बनाएंगे और नमक पर आपको कोई टैक्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नमक एक गरीब व्यक्ति का भोजन था। बिल्कुल 1927 सर, आता भी है 1927, ठीक है, ओके गुड। तो 1930 में हमने डिसाइड किया कि नमक कानून तोड़ेंगे और गांधी जी साबरमती से यात्रा करके दांडी पहुंचना था उनको, साबरमती से यात्रा शुरू करी, लोग जुड़ते चले गए और दांडी मार्च महात्मा गांधी जो है 6 अप्रैल 1930 को
शुरू करके और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं। इस समय लॉर्ड इरविन, ध्यान से समझना, लॉर्ड इरविन इस समय वायसराय हैं। लॉर्ड इरविन समझाने की कोशिश करते हैं कि गांधी जी आप मान जाइए, आपकी सारी बातें हम मान लेंगे। बहुत सारे म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, यानी गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है। लेकिन इसी दौरान कुछ बातें आपको और याद रखनी होंगी, अभी आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि 1930, 1931 और 1932 इन तीनों में लगातार गोलमेज सम्मेलन होंगे। गोलमेज सम्मेलन में ये कहा जाएगा, ये कंक्लूजन निकालने की कोशिश करी जाएगी, पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा, इसमें ये निकालने की कोशिश करी जाएगी कि किसी भी प्रकार से हिंदुस्तान में कैसा कानून बनाया जाए कि हिंदुस्तान की जनता आसानी से सर्वाइव कर सके। कंक्लूजन जो निकल करके आएगा वो सब कुछ मर्ज करेंगे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, भारत शासन अधिनियम 1935 में सब कुछ मिला दिया जाएगा और एक बहुत बड़ा अधिनियम बनाया जाएगा। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होगा, लगभग 310 के आसपास इसमें आर्टिकल्स होंगे और 10 अनुसूचियां बनाई जाएंगी, यानी कि एक बहुत बड़ा, जस्ट लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन, एक बहुत बड़ा अधिनियम होगा जो लगभग सभी पहलुओं को कवर कर लेगा यहाँ पर 1935 का जो भारत शासन अधिनियम होगा। आगे इसका हम लोग डिटेल अभी पढ़ेंगे, अभी मैं आप लोगों को टाइमलाइन समझा रहा हूँ, पहले 1947 तक टाइमलाइन को समझने का प्रयास करिए। 1937 में चुनाव होते हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाती है, यानी प्रांतों को ज़्यादा स्वायत्तता दी जाती है। कांग्रेस अपना मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट करती है, मंत्री बनते हैं कांग्रेस के, कांग्रेस के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है। इसी के जस्ट बाद 1939 में आप देखेंगे कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। जब दूसरा युद्ध शुरू होता है तो विश्वयुद्ध, तो फिर अंग्रेजों को भारतीयों की जरूरत पड़ती है और फिर इस बार वही लॉलीपॉप की, आप हमारा साथ दे दीजिए, हम जीतने के बाद आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन हिंदुस्तान के लोग समझ चुके थे कि आप जीतने के बाद आज़ाद नहीं करेंगे। यहीं पर एक और बात होती है, जरा मुझे कमेंट करके आप लोग सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म ईयर बताइए कि किस वर्ष में ये जन्मे हुए थे, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में जन्मे हुए थे, जरा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। और महात्मा गांधी का ईयर तो आप लोगों को पता ही होगा, 1869, राइट, तो फटाफट जल्दी से बताइए मुझे। हुआ ये कि जब सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के बहुत ही करीबी व्यक्ति पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव हरा देते हैं कांग्रेस के अंदर, तो गांधी जी इनसे थोड़ा एनवाइड रहते हैं और ये कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, अध्यक्ष के पद पर पट्टाभी सीतारमैया का बने रहना आवश्यक है। सुभाष चंद्र बोस साहब इस्तीफा तो दे देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि हमें देश के लिए कुछ करना है, क्योंकि आज़ादी तो दोनों को ही चाहिए थी, दोनों का मतलब महात्मा गांधी को भी, महात्मा गांधी को भी आज़ादी चाहिए थी। बहुत बढ़िया, शिवम ने आंसर बताया है 1897, ईशान ने बताया है, बाकी लोग भी बताएंगे, अपूर्वा ने बताया 1897, ठीक है, गुड। इसी से पता चलता है कि आप क्लास में कितना एक्टिव है, क्योंकि मैंने कहा ना कहाँ कहाँ पर आपको फोकस रखना, थोड़ा अपना मेमोरी पावर भी आपको बढ़ाना है। तो पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके जब सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़ते हैं तो महात्मा गांधी जी कहते हैं नहीं, आप इस्तीफा दे दीजिए, और इस्तीफा दे भी देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी और कहते हैं कि हमें देश के लिए कुछ करना है, तो देश के लिए कुछ करना है तो इसके लिए भी हमें लगेगा, जरूरत पड़ेगी, हम देश के बाहर निकलेंगे। और 1941 में वो देश से बाहर निकलते हैं। इसी वर्ष में आप देखते हैं गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की डेथ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके वो जर्मनी और जापान, फिर सिंगापुर होते हुए भारत में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, भी आगे हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी वगैरह का क्या रोल रहा, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं वो, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस पर वैसे इसी हमारे चैनल पर यूट्यूब पर एक सेपरेट लेक्चर पड़ा हुआ है सुभाष चंद्र बोस को लेकर के, आप उसे भी पढ़ लेंगे तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप चाहें तो चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। 1942 में गांधी जी कहते हैं कि अब हमें भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा, राइट। अब ध्यान से समझिएगा, क्रिप्स मिशन आता है भारत में यह समझाने के लिए, क्रिप्स मिशन भारत में आता है समझाने के लिए कि अब हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि डोमिनियन स्टेटस हमें चाहिए नहीं, डोमिनियन स्टेटस चाहिए नहीं हमको, हमें चाहिए कंप्लीट फ्रीडम। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड रह करके भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं, आगे हम लोग उनका नाम अभी देखेंगे आज की क्लास में। संजोग से इसी बीच में 1943-44 में बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है और इस अकाल के दौरान, अच्छा जो लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं क्लास में वो लोग बंद करके एक बार एप्लीकेशन को दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे,
तो बिल्कुल लाइव चल रहे होंगे, ठीक है। तो अकाल पड़ता है बंगाल में, और इस अकाल के दौरान अंग्रेजों को भारतीय लोगों की मदद करनी चाहिए, जो कि वो कर नहीं पाए, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ये भी अंग्रेजों के प्रति मन में एक नफरत पैदा करती है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तानियों में। और इसी के साथ साथ 1945 में जो इंडियन नेशनल आर्मी है, यहाँ पर रेड फोर्ट पर, लाल किले पर एक ट्रायल होता है, चूंकि इंडियन नेशनल आर्मी बहुत एग्रेसिव हो जाती है, इस पर इंडियन नेशनल आर्मी पर मुकदमेबाजी करके बहुत सारा ट्रायल होता है, और इसमें बहुत बड़े बड़े वकील इंडियन नेशनल आर्मी के लिए लड़ रहे होते हैं हिंदुस्तान के उस समय के। और इसी बीच में उधर सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है। कब समाप्त होता है? जब जापान पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम ड्रॉप किए जाते हैं। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की इतनी आर्थिक क्षति हुई थी कि ब्रिटेन की स्थिति अब ऐसी नहीं रह गई थी कि एक तरफ हिंदुस्तान में पड़े हुए अकाल को मैनेज कर पाए, एक तरफ जो हिंदुस्तान में क्रांतिकारी गतिविधियां अपने चरम पर हैं उनको रोक पाए, हिंदुस्तान की जनता जो किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता चाह रही है उनको रोक पाए। अब ये सब बातें ब्रिटेन की बस की बात थी नहीं, यानी कि लगभग लगभग ब्रिटेन मजबूर हो चुका था हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए। और ऐसी परिस्थितियों में सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने के साथ ही आप देखेंगे कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए। और इसमें यूएसए जैसे देशों का दबाव बनता है ब्रिटेन के ऊपर कि अब आप भारत को आज़ाद कर दीजिए, आपसे भारत संभल नहीं रहा है। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा जाता है भारत में कि आप जाइए और संविधान बनाने का पावर, संविधान बनाने की कैपेसिटी जो है उन लोगों के अंदर, वो पावर उनको हैंड ओवर करिए, और वहां पर अंतरिम सरकार का गठन होगा केंद्र के अंदर, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुना जाएगा, और हिंदुस्तान की संविधान सभा बनेगी, और यहाँ से हम अपनी संविधान सभा को आगे बढ़ाएंगे। और 15 अगस्त 1947 ये डेट डिसाइड हुआ कि इस दिन हम हिंदुस्तान को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1940 से ही मोहम्मद अली जिन्ना की जिद थी कि पाकिस्तान आपको अलग करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन में बांट दिया गया, यानी कि भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेटस बने 15 अगस्त 1947 को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि मैं क्रोनोलॉजी की बात करूँ, पहले आप लोग यहाँ तक मुझे कंफर्म करो, यदि मैं क्रोनोलॉजी की बात करूँ तो ये बता दीजिए मुझे कि आप 1773 से चल करके, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के आने से लेकर के और 1947 तक की जो यात्रा आप कर रहे हैं, ये यात्रा वन शॉट आपको क्लियर हो रही है कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट ईयर हैं जहाँ हमने कोशिश करी है, और कैसे हमने इस अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया है, और कैसे हमने अपनी जीत हासिल करी हुई है। एक पिक्चर क्लियर हो रही है ईयर की, जिन वर्षों में, एक बार कमेंट आपके आ जाएंगे तो फिर सही हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, जिन वर्षों में, हाँ जी फटाफट बताएंगे आप लोगों के आंसर मेरे तक शायद पहुंच नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जिन वर्षों में कोई बड़े इंपॉर्टेंट काम हुए हैं वो सब क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब अगला जो हम लोगों का सेशन है, आई मीन टू से कि आगे जब अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब ये गवर्नर जनरल आए, वायसराय आए, तो इनके टाइम पीरियड पर कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण काम हुआ है, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है जो हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। अब आपको याद होगा हमने क्या कहा था कि सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन करके आएगा, शिव कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ही क्लियर हो रहा है, होना तो पूरा चाहिए, चलिए गुड देखते हैं। तो 1772 से लेकर के 1785 तक कौन रहेगा? वारन हेस्टिंग। और वारन हेस्टिंग के बारे में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होगा? वारन हेस्टिंग होगा, क्योंकि इसी अधिनियम से कहा जाएगा कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है वही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर 1772 में जब ये आएगा तो इस समय ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को एबॉलिश करेगा, यानी कि एंड करेगा, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को एंड करेगा जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। क्या करेगा यहां पर? ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को एबॉलिश करेगा।
और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, इसी अधिनियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। इसी के टाइम पीरियड में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनेगा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपसे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, अच्छा ठीक है अर्पित, देखो युद्ध पर एक अलग लेक्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री के 9 लेक्चर में से मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर है जिसमें आपको गवर्नर जनरल और कांग्रेस सेशन के बारे में बताया जाएगा। एक सेपरेट लेक्चर किसान आंदोलन पर है कि भारत में जितने भी किसान आंदोलन है, जितने भी प्रमुख युद्ध हैं उनके पर एक लेक्चर है, जितने भी आज़ादी के दौरान पत्र पत्रिकाएं लिखी गई हैं उन पर, किताबें जो लिखी गई उन पर एक सेपरेट लेक्चर है, जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उन पर एक लेक्चर है, और गांधीवादी आंदोलनों पर एक सेपरेट लेक्चर है। तो इसलिए आप लोगों को कुछ भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि इतने युद्ध हैं, इतने ज़्यादा युद्ध हैं कि उनको बीच बीच में नहीं बताएंगे। एक पूरा कंप्लीट लेक्चर लगा हुआ युद्ध पर और बहुत ही शानदार तरीके की पीडीएफ कंटेंट उसमें भी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार और उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ सालवाई होती है, ये भी किसके टाइम पर होती है, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर। फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भागवत गीता, मैं फिर कहूंगा ट्रांसलेशन का पर्पज समझिए, भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का पर्पज है कि पहले हम हिंदुस्तान की मानसिकता को तो समझें कि आखिर भागवत गीता में ऐसा क्या लिखा है कि हिंदुस्तान के लोग उसको अपना आदर्श मान रहे हैं। और इसी के बाद 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आता है। ये सब कुछ होता है वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर। बहुत इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल एक पूछ लेते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, चूंकि पहला गवर्नर जनरल था तो इसके टाइम पर बहुत सारे ऐसे काम हुए थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कौन आता है, वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। समझने की कोशिश करिएगा कि ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है जिसको एक तरीके से आप समझेंगे तो अमेरिका से भगाया गया था 1776 में। 1786 में 86 में आता है और 93 तक रहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कई ऐसे काम किए थे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इसने अपीलेट कोर्ट की स्थापना करी थी, लोअर ग्रेड कोर्ट की स्थापना करी थी। इसके बाद इसने संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी थी। और आपको याद होगा कि 1790 से लेकर के 92 तक के बीच में जो तीसरा एंग्लो मैसूर वार हुआ था, तो इस पर आपसे सवाल पूछेंगे कि इस समय कौन यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, तो आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और इसी के टाइप पर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगीपट्टनम हुई, इसी ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट यहाँ पर लागू किया जिसको आप अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। और इसी ने इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत करी थी। याद रखिएगा, यदि आज़ाद भारत में पूछा जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर होगा, और यहाँ पर पूछा जाएगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। जो ICS हुआ करता था उसकी शुरुआत यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस करता है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 93 तक रहेगा, और 93 से थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 93 से मैंने कहा कि 93 से 98 तक सर जॉन सोर। अब यहाँ पर जॉन सोर के टाइम पीरियड पर क्या क्या बातें होंगी, 1793 में चार्टर एक्ट आएगा। देखो चार्टर एक्ट की कहानी कुछ ये है कि यहाँ से चार्टर एक्ट शुरू होगा और प्रत्येक 20 वर्ष पर आएगा। तो पहला चार्टर एक्ट आप देख पा रहे हैं 1793 में आ रहा है, वैसे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। यहाँ से 20 वर्ष के बाद आप देख पा रहे हैं चार्टर एक्ट आ रहा है 1793 में, और इसके बाद फिर एक चार्टर एक्ट आ रहा है 20 वर्ष के बाद 1813 में, 1813 के बाद फिर एक 20 वर्ष पर चार्टर एक्ट आ रहा है 1833 में, और फिर एक चार्टर एक्ट आ रहा है 20 वर्ष के बाद 1853 में। कुल इतने चार्टर एक्ट आए थे, समझ में आ रही बात। और इसके बाद से फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लगा 1858 से, और उधर एक तरफ इंडियन काउंसिल एक्ट आने लगा, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1793 में पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन यहाँ पर लागू होता है जॉन सोर के टाइम पर, कि हमारे में आपको इंटरवीन नहीं करेंगे। और एक बड़ा निर्णायक युद्ध लड़ा जाता है जिसे आप कहते हैं बैटल ऑफ खरदा। खरदा का युद्ध जो होता है ये निर्णायक इस प्रकार से होता है कि जब वहाँ मराठों और हैदराबाद में चुनना होता है अंग्रेजों को कि भाई कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा उसी के साथ शुरू में अंग्रेज रहेंगे और बाद में उसकी कमजोरी निकाल करके उसको हराएंगे। तो बैटल ऑफ खरदा मराठों और निजाम के बीच में, निजाम ऑफ हैदराबाद में ये होता है, ये टेस्ट करने के लिए कौन ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। अंग्रेज यहाँ पर कूटनीतिक तरीके से अपने आप को स्थापित कर रहे होते हैं। 1798 में सर जॉन सोर के जाने के बाद एक बहुत ही चालाक प्रवृत्ति का व्यक्ति गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर के आता है जिसका नाम लॉर्ड वेलेजली था।
लॉर्ड वेलेजली कब आता है? 1798 से लेकर के 1805 तक रहता है। इसने सहायक संधि को इंट्रोड्यूस किया, सब्सिडियरी अलायंस को। सब्सिडियरी अलायंस का जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है वो ये कि सब्सिडियरी अलायंस की शर्त ये थी कि कोई भी भारतीय राजा जो ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार करेगा उसे अपनी आर्मी नहीं रखनी है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटेन के उस ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी, लेकिन उस भारतीय राजा को उसको उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा अपनी सुरक्षा का। दूसरा कि बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन के भारतीय राजा कोई विदेशी संबंध स्थापित नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसके बाद इसी के टाइम पर 1799 में आप पढ़ेंगे कि चौथा एंग्लो मैसूर वार होता है। चौथा एंग्लो मैसूर वार होता है। इस चौथे एंग्लो मैसूर वार में क्या होता है? टीपू सुल्तान मारा जाता है। इसी के टाइम पर आप देखेंगे कि सेकेंड एंग्लो मराठा वार होता है। सेकेंड एंग्लो मराठा वार में अंग्रेज यह समझ जाते हैं कि मराठा साम्राज्य के पतन का समय आ चुका है, बस थोड़ा सा देर और है, बस थोड़ा सा संधियां, थोड़ी सी कूटनीति, कुछ थोड़ा सा समय। अभी आगे आप देखिएगा, सेकेंड वाले में संधि होती है लेकिन मराठों की कमजोरी अंग्रेज समझ चुके रहते हैं, राइट। और इसी के शासनकाल में विलियम कॉलेज कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज। क्वेश्चन इस पर बहुत बार पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज किसके शासनकाल में कलकत्ता में स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं, 1805 से 1807 में जॉर्ज बार्लो आता है। जॉर्ज बार्लो जो होता है बहुत कम समय के लिए आता है, इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस पर आज तक कभी सवाल भी नहीं पूछा गया। इसके बाद देखिए कहानी शुरू होती है 1807 से लेकर के 1813 तक की। 1807 से 1813 याद रखेंगे, जब यहाँ पर मिंटो वन आया है तो मिंटो टू भी आगे आएगा। 1807 से 1813 लॉर्ड मिंटो वन जो है वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर कंक्लूड करते हैं विथ महाराजा रंजीत सिंह इन 1809। यानी कि हाँ बिल्कुल अपूर्वा, अभी अब जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि महाराजा रंजीत सिंह की डेथ कब होती है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अंग्रेज बहुत पहले से प्रयास कर रहे थे कि पंजाब उन्हें मिले, लेकिन मिल नहीं पा रहा था, इसने यहाँ पर संधि करनी पड़ी, अमृतसर की ट्रीटी करनी पड़ी महाराजा रंजीत सिंह से 1809 में। और इसी के टाइम पर 1813 का चार्टर एक्ट आता है, और इस चार्टर एक्ट में ब्रिटेन की महारानी ने कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखाने की कोशिश कर दी कि अब आप व्यापार कम करिए, मोनोपोली राइट आपका हम समाप्त कर रहे हैं, केवल दो चीज़ों को छोड़ करके, एक चीन और एक चाय, इन दो चीज़ों को छोड़ करके मोनोपोली राइट क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए इसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के। और 1833 में आप देखेंगे कि इनको पूरी तरीके से कॉमर्शियल एंटिटी से कन्वर्ट करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, 1839 द करेक्ट आंसर निशान। 1833 में इनको पूरी तरीके से कहा गया कि अब आप सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेंगे, आप कमर्शियल बॉडी नहीं रहेंगे, राइट। इसके बाद देखो 1813 से लेकर के 1823 तक लंबा समय है लॉर्ड हेस्टिंग का, काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, क्या होगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होगा वही मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स को क्या करेगा, गाइड करेगा, सबॉर्डिनेट के रूप में ट्रीट करेगा। तो इसी समय लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पर ही वहां साउथ इंडिया में मद्रास टेरिटरी में रैयतवाड़ी सिस्टम की स्थापना होती है। कौन सी स्थापना होती है? रैयतवाड़ी। तो उस समय जो मद्रास का गवर्नर है वो कौन है? थॉमस मुनरो है। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, थॉमस मुनरो। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब रैयतवाड़ी सिस्टम वहां पर लागू हो रहा है तो मद्रास का गवर्नर कौन है? तो आप आंसर करेंगे थॉमस मुनरो। मद्रास के गवर्नर कौन है? तो आंसर करेंगे आप थॉमस मुनरो। और वही जवाब से पूछा जाएगा कि उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? तब आप आंसर करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग। तो आप आंसर क्या करेंगे? लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, और इसके बाद और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य होंगे? पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन तो होगा ही होगा, ये इसका एंड होगा। और साथ में यहाँ पर थर्ड एंग्लो मराठा वार,
इधर आप इसमें पानी दे दीजिए। तो थर्ड एंग्लो मराठा वार, ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जरा कमेंट करके मुझे बताएगा कि थर्ड एंग्लो मराठा वार किस ईयर में होता है, थर्ड एंग्लो मराठा वार किस ईयर में होता है, आप लोग जरा मुझे कमेंट करके बताएं कि तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध किस वर्ष में होता है। देखो तृतीय एंग्लो मराठा वार के माध्यम से ही पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है, और जब मराठा में पेशवा नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि मराठा साम्राज्य लगभग समाप्त हो चुका है। पेशवा को बिठूर भेज दिया जाता है और पेशवाई का पद वहां पर समाप्त हो जाता है मराठा में, मराठा एम्पायर डिक्लाइन हो चुका रहता है लगभग, लगभग कुछ बचता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, जरा कमेंट करो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, 1823 से जब आगे बढ़ते हैं तो 1823 से 28 के बीच में, ये नाम आपको याद रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया। 1817 आंसर आना शुरू हो गया है, 1817 से 18 तक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर 1823 से 28 तक देखिए, 1823 से 28 तक लॉर्ड एम हर्स्ट होगा, ये नाम आपको याद रहना चाहिए, ईयर भी याद रहना चाहिए। और देखो बेटा ये एक दिन की कहानी नहीं है, जो लोग ये सोच रहे होंगे ना कि एक दिन में इतना कुछ कैसे याद करें, एक दिन में याद ही नहीं हो सकता है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन रीड करना है बार बार, और जो बातें भूल रही हैं उनको बार बार रिपीट करना होगा, तब जाकर काम चलेगा। तो 1823 से 1828 तक लॉर्ड एमहर्स्ट होगा, और इसके टाइम पर असम का एनेक्सेशन होगा, असम का अधिग्रहण होगा, और यहीं पर पहला बर्मीज वार होगा 1824 में, राइट, और यहीं पर बैरकपुर का विद्रोह होगा 1824 में। एनेक्सेशन ऑफ असम पर सवाल पूछते हैं, फर्स्ट बर्मीज वार किसके टाइम पर हुआ, तो लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पर हुआ। देखिए आगे बढ़ते हैं, 1828 से 35, अब वक्त आ गया है फिर से चार्टर एक्ट का, ध्यान दीजिएगा, वक्त आ गया है फिर से चार्टर एक्ट का। तो चार्टर एक्ट तो आएगा 1833 में, क्योंकि हर 20 साल पर आ रहा था। 1828 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है तो इस समय यह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर के आता है, क्या बनकर के आता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 1818 करेक्ट आंसर, ठीक है, हाँ ट्रीटी यादा वो, ठीक है फाइन। तो थोड़ा सा देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक कब आता है, 1818 में, सॉरी माफ करिए 1833 में, 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर के आता है, लेकिन इसी समय जो 1833 में चार्टर एक्ट आता है इसमें कहा जाता है कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वही व्यक्ति क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से भारत का जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है उसका नाम क्या है, उसका नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये कहां से, 1833 के बाद से। तो यदि कोई सवाल आपसे ऐसा भी पूछ ले कि ये बता दीजिए कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस वर्ष शुरू हुआ, तो आंसर आप करेंगे कि ये शुरू हुआ कब, 1833 में, 1833 में, 1833 के चार्टर एक्ट से ही ये चीज शुरू हुआ। एवोल्यूशन ऑफ सती, कमेंट करके बताइए कि सती प्रथा का अंत किस वर्ष में हुआ, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको टाइमलाइन में समझाया था ये बात, जरा फटाफट जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था, फटाफट कमेंट करिए जितना जल्दी हो सकता है, ताकि हम लोग कुछ आगे और बात कर सकें, सती प्रथा का अंत कब हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो भैया सती प्रथा का अंत हो गया, एक और समस्या समाज में थी जिसको हम लोग कहते थे इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड सेक्रीफाइस। तो इन्फेंटिसाइड पर भी रोक लगाने का बहुत प्रयास किया, इन्फेंटिसाइड पर भी रोक लगाने का बहुत प्रयास किया, यानी कि जो भ्रूण हत्या और इस तरीके की जो दूसरी हत्याएं होती थी, दूसरी जैसे बच्चा पैदा हुआ और तुरंत उसकी उसकी गला दबा करके उसकी मृत्यु कर दी जाती थी, तो इन सब चीजों से निजात पाने के लिए, 1829 इज द करेक्ट आंसर, इन सब चीजों से निजात पाने के लिए विलियम बेंटिक ने खूब प्रयास किया राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के, लेकिन दुर्भाग्य था कि राजा राम मोहन राय की आगे चल करके डेथ हो जाएगी, आप देखेंगे। इसके बाद से इसी समय अंग्रेजों को यह लगा कि अब हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमें हिंदुस्तान के दिमाग में किसी भी तरीके से अंग्रेजी पिरोना पड़ेगा, अंग्रेजी की जरूरत होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इस प्रकार से 1835 में लॉर्ड मैकाले की मदद से, याद रखिएगा
लॉर्ड मैकाले की मदद से इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया गया 1835 में, 1835 में, और इसी के टाइम पर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई कलकत्ता में। तो 1835 में जो एक्ट आया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, उसमें ये कहा गया कि जो समाज का उच्च वर्ग है उसको अंग्रेजी पढ़ाइए, निम्न वर्ग तक अंग्रेजी ऑटोमेटिक पहुंचेगी। इस मानसिकता के साथ अंग्रेजों ने अंग्रेजी के प्रचार प्रसार में खूब भूमिका निभाना शुरू किया। हालांकि आगे चल करके आप देखेंगे कि नेटिव लैंग्वेज वाली बात आएगी, मैं शिक्षा पर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मैं आप लोगों को एक बार दोबारा उसका रिविजन करा दूंगा या वीडियो शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा कि शिक्षा क्रमिक विकास भारत में कैसे हुआ है। अब बात आती है 1835 से 36 की। 1835 से 36 में एक साल के लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, नाम महत्वपूर्ण है लेकिन किस लिए महत्वपूर्ण है, लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, राइट। जितने भी प्रेस पर रिस्ट्रेंट लगे हुए थे उन सबको इसने फ्री कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया, और इसको इंडियन प्रेस के लिबरेटर के रूप में जाना जाता है मेटकॉफ को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए प्रेस की क्या भूमिका थी वो समझिए, प्रेस इतना चर्चा में क्यों रहता था और प्रेस से क्वेश्चन क्यों पूछे जाते थे, इसलिए पूछे जाते थे क्योंकि उस समय प्रेस ही यानी कि प्रिंट मीडिया ही एकमात्र स्रोत हुआ करती थी इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, सूचनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एकमात्र एकमात्र जरिया क्या था, प्रेस था। तो यदि प्रेस पर आप प्रतिबंध लगाएंगे तो लोगों तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाएंगी और फिर मास को इकट्ठा करना मुश्किल होगा। तो चार्ल्स मेटकॉफ आया और इसने प्रेस को लिबरेट किया काफी हद तक। 1836 से लेकर के 1842 तक लॉर्ड ऑकलैंड, देखिए लॉर्ड ऑकलैंड जो था इसके दिमाग में एक बात यह आ रही थी कि यदि हमें भारतीयों को पढ़ाना है तो जो बेसिक चीजें हैं ना वो नेटिव लैंग्वेज में होनी चाहिए, नेटिव स्कूल में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बिना, जब बच्चा स्कूल जाएगा ही नहीं, ड्रॉप आउट कर देगा तो वो समझेगा क्या, वो आगे भी कुछ नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि डिक्टेटेड हिमसेल्फ टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ नेटिव स्कूल एंड द एक्सपेंशन ऑफ द कमर्शियल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट, इंडिया के अंदर कमर्शियल इंडस्ट्री को एक्सपेंड करा जाए। और इन्हीं के टाइम पर फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ। तो दो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ये बन सकता है कि नेटिव स्कूल की बात यहाँ पर कौन कर रहा था, तो लॉर्ड ऑकलैंड कर रहे थे, और फर्स्ट एंग्लो अफगान वार किसके बीच में हुआ था, तो आंसर होगा ब्रिटिश और अफगानियों के बीच में हुआ था, और किसके टाइम पर हुआ था, तो आंसर होगा लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। अब देखिए अब वक्त आएगा 1842 से 44 का, लॉर्ड एलनब्रो। तो लॉर्ड एलनब्रो जो होगा इनके टाइम पर सिंध का एनेक्सेशन होगा। मैं फिर यहां पर आपको क्लियर करना चाहता हूं कि 1839 में आप पढ़ रहे हैं उधर डेथ हो जाती है महाराजा रणजीत सिंह की, राइट, उनके बाद कोई ताकतवर व्यक्ति बचता नहीं है जो बचा पाए, और सब लोग अंग्रेजों के लालच में आ जाते हैं और यहाँ पर सिंध का एनेक्सेशन हो जाता है 1842 से 1844 के बीच में। इसके बाद से देखेंगे आप यहाँ पर सिंध तो इनके हाथ में आ ही चुका है, पंजाब अब इन्हें चाहिए, पंजाब चाहिए। तो 1844 से 48 के बीच में लॉर्ड हार्डिंग वन आता है और ये फर्स्ट एंग्लो वार, सॉरी एंग्लो सिख वार, यानी कि सिखों के साथ यहाँ पर ये लड़ता है पंजाब के लिए, पंजाब के लिए लड़ा जा रहा है लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर 1848 तक रहेगा। और 1848 के बाद एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो अपने आप में एक पूरा किताब होगा, अपने आप में एक पूरी पहचान होगा, अपने आप में एक पूरा युग होगा उस टाइम का, कैसे इतना ज्यादा परिवर्तन कर देगा भारत में कि लोग इसको आधुनिक भारत का जनक कहेंगे। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि आधुनिक भारत का जनक किसको कहा जाता है अंग्रेजी में यदि बात करी जाएगी, तो 1848 में आकर के 56 तक रहने वाला जो लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन करके आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन करके आ रहा है, ये क्या कर रहा है, सबसे पहले ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू करता है, यानी कि हड़प नीति। कौन सी नीति, हड़प नीति, जो राज्य ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार नहीं किए थे उन राज्यों को कैसे मिला लिया जाए ब्रिटेन की सत्ता में, उसके लिए इसने विशेष व्यवस्था बनाई, नाम दिया हड़प नीति। इसी के टाइम पर वुड डिस्पैच आया, वुड डिस्पैच आया 1854 में, और 1854 में आए हुए वुड डिस्पैच के आधार पर ही भारत में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे जो लंदन विश्वविद्यालय की तरह से होंगे,
ऐसी व्यवस्था दी गई वो डिस्पैच के माध्यम से। पोस्ट ऑफिस एक्ट लेकर के 1854 में टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत करी। फर्स्ट इंडियन रेलवे कनेक्टिविटी शुरू किया इसने। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करी। इसी के टाइम पर टेलीग्राफ लाइन चलाया गया। पीडब्ल्यूडी जिसे आप समझते हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना इसी के टाइम पर होती है। जो टाइटल्स और पेंशन थी उनका एवोल्यूशन कम्प्लीटली होता है और भारतीय सिविल सेवा में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि परीक्षा होनी चाहिए सिविल सर्विसेज में, और 1853 में ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि अब यहाँ से इंडियन सिविल सर्विसेज में कंपटीशन की शुरुआत होगी। और इसी के टाइम पर विडो रीमैरिज एक्ट आया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो इस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने इतने काम किए। लेकिन लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही भारतीय जनता के मन में आक्रोश बढ़ता जा रहा था और वो आक्रोश 1857 के विद्रोह के रूप में सामने आ गया। इस समय जब विद्रोह शुरू हुआ तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर था, राइट। डलहौजी ने तो बहुत कुछ कर दिया था, लॉर्ड कैनिंग था। देखिए, लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम लोग दो तरीके से समझेंगे बात को। लॉर्ड कैनिंग के बारे में दो तरीके से समझेंगे कि जब लॉर्ड कैनिंग 1856-57 में है तब इस समय यह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, क्योंकि इस समय वायसराय का पद नहीं है। 57 में हुए विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग, जब भारत शासन अधिनियम 1858 आएगा तो वहां से लॉर्ड कैनिंग क्या बनेगा, वायसराय बनेगा ना। इसलिए हमें दो बार पढ़ना पड़ेगा इसको। तो लॉर्ड कैनिंग, मैंने कहा कि वुड डिस्पैच से ये क्लियर हो चुका था कि यूनिवर्सिटी बनानी है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी, राइट। अच्छा, दूसरी बात आप समझेंगे कि इसी के टाइम पीरियड पर 1857 का विद्रोह हुआ। आगे आपको मैं लगातार बता ही रहा हूँ कि ये गवर्नर जनरल बनकर के आया था लेकिन वायसराय बनकर के गया, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 तक रहा। 1862 तक जब ये रहा तो इसी के टाइम पर आपको याद होगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, और इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी को ही समाप्त कर दिया पूरी तरीके से। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, काउंसिल में कहा गया कि काउंसिल के हिसाब से निर्णय होगा। हालांकि आगे हम लोग देखेंगे कि काउंसिल का पावर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा जब भारतीय जनता आगे बढ़ने लगेगी। तो इसके बाद, कैनिंग के बाद, 1862 के बाद लॉर्ड एल्गिन आता है एक साल के लिए। तो बस वहावी आंदोलन, या आंदोलनों में, किसान आंदोलनों में पढ़ेंगे हम लोग वहावी आंदोलन क्या था, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड लॉरेंस 1864-69 तक, 5 वर्षों के लिए। एंग्लो भूटानीज वार, ध्यान दीजिएगा एक बात मैं आपको और समझाना चाहता हूँ यहाँ पर, जो लोग क्लास को देख रहे हैं वो समझने का कोशिश करेंगे। जैसे कि कल्पना करो कि पिछले 20 वर्षों में परीक्षा के अंदर कर्नाटिक वार पर, एंग्लो मैसूर वार पर या एंग्लो मराठा वार पर लगातार यदि सवाल पूछे गए हों, तो ऐसी भी संभावना है कि आयोग आपको बिल्कुल सरप्राइज कर दे कि अबकी बारी हम एंग्लो भूटानीज पूछेंगे, एंग्लो नेपाली पूछेंगे, या इस टाइप से कुछ और पूछ सकते हैं ना जो अभी तक नहीं पूछा है। तो यदि ऐसा कुछ आ जाए तो आप बिल्कुल सरप्राइज ना हो, ऐसा ना आप कहें कि पेपर बहुत टफ आ गया था और हमसे हो नहीं पाया। पेपर टफ नहीं आया था, अप्रोच में सब चीज़ें शामिल रखनी चाहिए कि मान लीजिए जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि वो वही आ गए तब तो आपका 100% सही होगा, लेकिन यदि कुछ नया भी आ गया तो उसके लिए भी आपको अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, ठीक है ना। लॉर्ड लॉरेंस 1869, एंग्लो भूटानीज वार। अब वक्त आ जाता है 1869 से लेकर के और 72 तक का। यहाँ पर ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो के बारे में देखिए जरा, कहा जा रहा है कि सेंटर और स्टेट के बीच में, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर का मतलब केंद्र और स्टेट का मतलब यहाँ पर प्रोविंस है, किस प्रकार से फिनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका इंट्रोडक्शन पहली बार कौन देता है, लॉर्ड मेयो। मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में सेंटर और स्टेट के बीच में जो फिनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसके रिकमेंडेशन पर होता है, जल्दी से एक बार कमेंट करिए मुझे।
फटाफट आप लोग बताएंगे कि वर्तमान में जो सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके आधार पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेंसस, पहली जो जनगणना होती है वो होती है 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। मेयो कॉलेज की स्थापना करी जाती है। इकलौता ऐसा गवर्नर जनरल या वायसराय आप कह सकते हैं जो भारत में जिसकी हत्या कर दी गई, और इसकी हत्या करी गई शेर अली अफरीदी के द्वारा, कहां पर? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार के अंदर। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी, याद रखना आप इस बात को। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे आप SSI के नाम से जानते थे, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भी लॉर्ड मेयो के टाइम पर ही हुई थी। फाइन, मैंने एक सवाल पूछा, आपको बताया नहीं, एक बार जरा बताइए मुझे कि वर्तमान में, भाई एक बार तुमने कहा कि फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन तो उस टाइम पर शुरू हो गया था, अभी आप लोग बताओ कि वर्तमान में किसके रिकमेंडेशन पर, किसके रिकमेंडेशन पर केंद्र और राज्य के बीच में वो बांटे जाते हैं पैसे, धन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके किसके बीच में होता है? फटाफट जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए आप लोग। अपूर्वा चौहान, अंकिता चौहान, शिवानी यादव, अनुज, अंशु, सौम्या, जितने भी लोग हैं क्लास में, सभी लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? कोई परेशानी घबराहट तो नहीं हो रही है? जल्दी से बताइए मुझे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, आपको नाम याद रखना है, 1869 के बाद आगे बढ़ेंगे, 72 तक लॉर्ड मेयो रहेगा। इसके बाद 72 से 76 तक लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो होगा, अपूर्वा कह रही है कि महालेखा नियंत्रक परीक्षक, उसी बात को ईशा कह रही है कि कैग, CAG। तो ये बताइए, कि केवल मेरी क्लास करने मात्र से सिलेक्शन नहीं होगा भाई, एक चीज आपको ये भी सोचना होगा। सर ये वायसराय था ना? हाँ बिल्कुल वायसराय था। देखो, वायसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद तो एक ही था ना, ऐसा नहीं कह सकते कि पद ही समाप्त कर दिया गया था। पद तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का वही पद था जो वायसराय का पद था। ठीक है, मुद्दा समझिएगा, मैंने क्या कहा कि भारत में आर्टिकल 280 में फिनांस कमीशन की बात करी गई, वित्त आयोग की, फिनांस कमीशन की। तो वित्त आयोग का यही काम है कि वह रिकमेंड करता है कि किसका जो है रेवेन्यू किस राज्य को कितना जाना चाहिए, केंद्र और राज्य के बीच में फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, ऐसा रिकमेंडेशन कौन करता है? ऐसा रिकमेंडेशन करता है वित्त आयोग। ठीक है, और आप लोग जवाब दे रहे हैं कि कैग का काम तो ऑडिट करना है ना, कि जो पैसा आया राज्यों के पास वो पैसा खर्च हुआ तो गलत तरीके से खर्च हुआ, सही तरीके से खर्च हुआ, ऑडिट करना काम किसका है? कैग का। और आप लोग बता रहे हैं कि सर कैग ही डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा, तो मेरे भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा फिर, ना फिर परेशानी बनी रहेगी। फिलहाल छोड़िए इन बातों को, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा हमने कि 1872 से 1876 के बीच में लॉर्ड नॉर्थब्रुक रहेगा, सिविल मैरिज एक्ट और आर्य समाज मैरिज इंट्रोड्यूस किया जाएगा यहाँ पर। जो आर्य समाज मैरिज देखते होंगे, बड़ा कॉमन है आज के डेट में, बहुत प्रचलित है, आर्य समाज में शादी आसानी से हो जाती है। तो ये आर्य समाज मैरिज इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि यदि कोई शादी विवाह करना चाहता हो अपनी मन मर्जी से, तो उसे आसानी से शादी करने का एक पूरा सिस्टम प्रोवाइड कर सके। यूनिवर्सल मैरिज एक्ट भी इसी समय आया 1872 में। ये सब क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, खास करके उत्तर प्रदेश PCS IAS RO ARO जैसी परीक्षाओं में तो बहुत ढंग से पूछे जाते हैं ये। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ढंग से पूछे जाते हैं आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। तो इंटर कास्ट मैरिज अलाउ कराया जाता है, यानी कि अंतर जाति विवाह जो होता है उसको अलाउ किया जाता है, अंतर जाति विवाह। और इसी के टाइम पर पंजाब में कूका आंदोलन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? पंजाब में कूका आंदोलन नॉर्थ ब्रुक के टाइम पर। ध्यान से समझना, हम लोग 1876 तक पहुंच चुके हैं। अब बहुत ही जल्दी आप नोटिस करेंगे तो कांग्रेस बनने वाली है। भारतीय लगातार मांग कर रहे हैं, देखिए जब विवाह जैसे कानून बनाए जाएंगे, अधिनियम बनाए जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारे धर्म में अंग्रेज एंटर कर रहे हैं और दबाव उनके ऊपर बढ़ने लगेगा। इसी बीच में आप देखेंगे कि लॉर्ड लिटन आएंगे 1876 से लेकर के 1880 के बीच में। जब लॉर्ड लिटन आएंगे
तो लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जारी करेंगे, आर्म्स एक्ट इन्हीं के टाइम पर 1878 में आएगा, और इनका एक जो व्यू होगा वो नेशनलिस्ट व्यू होगा। और गवर्नमेंट का व्यू क्या होगा, देखो नेशनलिस्ट व्यू क्या कह रहा होगा कि ड्यू टू हाई रेट ऑफ टैक्सेशन परचेजिंग पावर हैड रिड्यूस्ड, परचेजिंग पावर ड्यू टू हाई रेट ऑफ टैक्सेशन परचेजिंग पावर हैड रिड्यूस्ड। और गवर्नमेंट का व्यू क्या होगा कि ड्रॉट इज नेचुरल फिनोमेनन ड्यू टू विच पीपल बिकेम पुअर। ध्यान से समझिएगा, इग्नोर सीवियर फेमाइन एंड ऑर्गेनाइज दरबार। अब ये जो होगा व्यक्ति जिसका नाम होगा लॉर्ड लिटन, ये क्या करेगा, लॉर्ड लिटन उस समय भारत की स्थिति को ध्यान में नहीं रखेगा, बल्कि वो एनी हाउ किसको खुश करना चाहेगा, महारानी क्वीन को, क्वीन विक्टोरिया को। और क्वीन विक्टोरिया को खुश करने के लिए वो दरबार आयोजित करेगा और कोशिश करेगा कि हम महारानी को अधिक से अधिक खुश कर पाए। आपको याद होगा ऐसे शासक, ऐसे लोग वही होते हैं जो चाटुकारिता वाली राजनीति करते हैं, यानी कि एक ऐसा अधिकारी जो हमेशा मंत्री जी को खुश करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, और ऐसे में नुकसान किसका हो रहा होता है, जनता का। जनता नाराज हो रही होती है, यहाँ पर जनता को ये लग रहा होता है कि नहीं, हमारे लिए ऐसा शासन नहीं चाहिए हमको, क्योंकि इस प्रकार के शासन में कहीं ना कहीं हम क्या हो रहे हैं, यहाँ पर दबाए जा रहे हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है। और ये महारानी को खुश करने के चक्कर में यहाँ पर क्या कर रहा होगा, देखिए जरा आगे कहा जा रहा है कि मैक्सिमम एज टू टेक अप सिविल सर्विसेज एग्जाम लोअर्ड फ्रॉम 21 to 19, यानी कि अभी तक जो 21 वर्ष था अपर एज लिमिट, उसे कहता कि घटा करके 19 करो। तो कॉमन सेंस है, 19 जैसे ही करेंगे आप, इंडियन सिविल सर्विसेज में जो भारतीय आ रहे थे उनकी संख्या कम होने लगेगी और ब्रिटिशर्स की संख्या ज्यादा होने लगेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं खुश करने के ही स्टेप में था कि भाई इंडिया में जो कलेक्टर आएंगे वो सब कौन आएंगे, ब्रिटिश मानसिकता वाले आएंगे। अच्छा, दूसरा देखो कि एबॉलिश टैक्स ऑन कॉटन फॉर ब्रिटिश ट्रेडर्स। जो ब्रिटिश ट्रेडर्स हैं, जो ब्रिटिश व्यापारी हैं, उनके लिए कॉटन पर लगने वाले टैक्स को ही समाप्त कर दिया गया। तो ये सब इसके ऐसी हरकतें थी जो महारानी को खुश करने वाली थी, और 1880 तक ही रहेगा। 1880 से 1884 तक लॉर्ड लिटन की जितनी गलतियां हैं उन सारी गलतियों को ठीक करने का काम लॉर्ड रिपन करेगा 1880 से लेकर के 1884 तक। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ही वॉज द मोस्ट लव्ड गवर्नर जनरल, सबसे अधिक प्यार करने वाला, लोग इसको बहुत पसंद कर रहे थे। इसने सारे कंट्रोवर्सियल आर्म्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया, हटा दिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना करता है, पंचायत और म्यूनिसिपल बोर्ड की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू ऑल कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हिंदुस्तान की किस वायसराय या गवर्नर जनरल के टाइम पर आता है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा भाई लॉर्ड रिपन के टाइम पर पंचायत और म्यूनिसिपल बोर्ड की स्थापना होती है, ठीक है। और इसको आप लोग सेल्फ गवर्नमेंट का फादर भी कहते हैं। दो नए विश्वविद्यालय ओपन किए जाते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एल्बर्ट बिल इसी के टाइम पर आता है, इसमें बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी होती है। एल्बर्ट बिल की कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर के इसके ऊपर आरोप भी लगते हैं लॉर्ड रिपन के ऊपर। कॉन्ट्रोवर्सी इस बात की होती है कि इसके अंदर, बिल के अंदर एक प्रपोजल था कि भाई कोई भी व्यक्ति हो, यदि ब्रिटिशर्स भी है तो कोई इंडियन जज है तब भी उसकी सुनवाई वो कर सकेगा। लेकिन ब्रिटेन के जो एलिट क्लास के लोग थे वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि भारत के जज अंग्रेजों की सुनवाई नहीं कर सकते हैं, मतलब इंडियन जज कैन नॉट ट्राई इंग्लिश, राइट। तो ये समस्या थी और इसी को हम लोग एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कहते हैं। इन्हीं के टाइम पर हंटर कमीशन बनाया जाता है। याद रखिएगा कि ये हंटर कमीशन एजुकेशन से संबंधित था। आगे चल करके जलियांवाला बाग कांड के बाद भी एक हंटर कमीशन आपको देखने को मिलेगा और वो उसके रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड की समीक्षा कर रहा होगा। 1884 के बाद लॉर्ड डफरीन नाम का एक व्यक्ति आएगा और ये 4 साल रहेगा 1888 तक। और इसके टाइम पर सेकेंड बर्मीज वार होगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि इसी के टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होगी 1885 में। पीछे आप देख चुके हैं, तो सवाल पूछा जाएगा कि कौन उस समय गवर्नर जनरल था, आंसर होगा लॉर्ड डफरीन था। इसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन आएगा 1888 में और ये 94 तक रहेगा। इसी के टाइम पर 1892 में काउंसिल एक्ट भी होगा। इस काउंसिल एक्ट में हमने आपको बताया कि क्या हमको पावर मिलेगा। फैक्ट्री एक्ट आएगा
1891 में फैक्ट्री एक्ट आएगा। 1894 से लेकर के 1899 तक लॉर्ड एल्गिन आएगा। लॉर्ड एल्गिन जो होगा इसको मारा जाएगा चापेकर ब्रदर्स के द्वारा, ठीक है, चापेकर ब्रदर्स के द्वारा। दिस वॉज द फर्स्ट पोलिटिकल मर्डर, ये राजनीतिक हत्या जो होगी वो पहली बार होगी, राइट। लॉर्ड कर्जन की हम बात करेंगे, लॉर्ड कर्जन आएगा 1899 में और ये रहेगा 1905 तक। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी वो क्या होगी, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल बटेगा और यहाँ पर बंगाल बटने के साथ ही एजुकेशन से संबंधित कुछ कमीशन बनाए जाएंगे, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट स्टैब्लिश किया जाएगा भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए। और इसके बाद की कहानी आपको आगे क्लियर होगी, 1907 में कैसे कांग्रेस टूटेगी, कांग्रेस बनते उधर से आ रही है। लॉर्ड कर्जन के बाद जो व्यक्ति आ रहा है वो लॉर्ड मिंटो आएगा। याद होगा आपको पीछे लॉर्ड मिंटो एक और आ चुका था, अब लॉर्ड मिंटो सेकेंड आएगा। तो जो लॉर्ड मिंटो सेकेंड आएगा, ये लॉर्ड मिंटो सेकेंड के टाइम पर सबसे बड़ा काम क्या होगा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। तो मिंटो जो है ये तो वायसराय है और मार्ले भारत सचिव है, इंग्लैंड में बैठा हुआ, दोनों मिल करके डिसाइड करते हैं कि हमें रिफॉर्म करना चाहिए। और रिफॉर्म के नाम पर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है मुसलमानों को 1909 के काउंसिल एक्ट से, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आएगा, लॉर्ड हार्डिंग रहेगा 1910 से लेकर 1916 तक। तो कहानी समझिए कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की गई, तो जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की गई तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था, तो आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था 1910 से 1916 तक, ठीक है। और इसी समय 1916 में जब आप देखेंगे हिंदू महासभा बनाई जाएगी मदन मोहन मालवीय के द्वारा, तो इस समय भी कौन है, यहाँ पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड है। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के बाद 1916 से लेकर 1921 तक कौन आता है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड आता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जब आ रहा है तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक रहेगा और इसके टाइम पर होम रूल लीग मूवमेंट चलाए जाएंगे, होम रूल लीग मूवमेंट चलाए जाएंगे। और होम रूल लीग मूवमेंट के साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसी के शासनकाल में रॉलट एक्ट पास किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है कि रॉलट एक्ट कब पारित किया गया, तो आंसर होगा 1919। और 1919 में कौन गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। याद रखिएगा चौरी चौरा कांड होगा तब चेम्सफोर्ड नहीं रहेगा, इसी के टाइम पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आएगा। आगे बढ़ेंगे 1921 से लेकर के 26 तक कौन होगा, रीडिंग होगा, रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर ही चौरी चौरा घटना होगी, इसी के टाइम पर। अब यहाँ पर एक सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि जब असहयोग शुरू हुआ है तो उस समय कौन गवर्नर जनरल था, तो देखिए जब असहयोग शुरू हुआ है तो आप वहां पर देख पा रहे हैं कि गवर्नर जनरल कौन थे, मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए। यहाँ पर देखें अभी कितने लोग जग रहे हैं, कितने लोग सो गए, अभी अभी हमने बताया है थोड़ी देर पहले ही कि जब असहयोग शुरू हुआ तो उस समय चेम्सफोर्ड होगा, लेकिन जब ये बंद हो रहा है चोरी चोरा कांड के बाद तो उसमें कौन है, लॉर्ड रीडिंग है। और इसके बाद 26 से लेकर के 31 तक कौन आएगा, लॉर्ड इरविन आएगा। इरविन के टाइम पर आप जानते हैं, देखो यहीं से आपको अंदाजा लगा लेना है कि इरविन के टाइम पर ही नेहरू रिपोर्ट आएगा, इसी के टाइम पर साइमन कमीशन आएगा, इसी के टाइम पर जिन्ना की 14 सूत्री मांग होगी, इसी के टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, इसी के टाइम पर पहला गोलमेज सम्मेलन शुरू होगा। ये सारी बातें लॉर्ड इरविन के टाइम पर होगी। इसी के टाइम पर दांडी मार्च होगा और गांधी इरविन पैक्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी लॉर्ड इरविन के टाइम पर होगा। अभी समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि जब ईयर याद रहेगा तो कॉन्टेक्स्ट आप आसानी से जोड़ पाएंगे, यदि ईयर नहीं याद रहेगा तो फिर आपके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि ईयर के याद रहने से, ईयर का मतलब क्या कि कौन सा वायसराय रहा है और कितने वर्षों तक रहा है, ये चीज जब याद रहेगी तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी आपकी बनी रहेगी। इसके बाद देखिए लॉर्ड विलिंगडन आएगा, तो लॉर्ड विलिंगडन कब से कब तक रहेगा, 1931 से लेकर 1936 तक। इसके टाइम पर सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा। एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखने वाली है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही केवल लॉर्ड इरविन के टाइम पर होता है, सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है वो लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पर हो रहा है 1931 से लेकर के 36 के बीच में।
1931 और 32 में सेकेंड और थर्ड होगा। पूना पैक्ट 1932 में होगा तो वो भी लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम होगा। कम्युनल अवार्ड की बात जो की जाएगी वो भी वेलिंगटन के टाइम पर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1936 से लेकर के 1944 तक लंबा पीरियड है 8 साल का, कौन रहेगा? लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो 36 से 44, यानी कि इसी के बीच में अगस्त ऑफर आएगा 1940 का, इसी के बीच में क्रिप्स मिशन आएगा, इसी के बीच में भारत छोड़ो आंदोलन होगा। जितने भी ये महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं वो लिनलिथगो के टाइम पर हो रहे हैं। लॉर्ड वेवेल आएगा इसके बाद 1944 से लेकर के 1947 तक, इसी बीच में सीआर फार्मूला आएगा 1944। सीआर फार्मूले पर आपसे सवाल कई बार पूछा गया है, सी राजगोपालाचारी का जो फार्मूला था, इसमें आपसे पूछा सकता है कि जब सीआर फार्मूला आया तो 1944 में गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लॉर्ड लिनलिथगो आंसर नहीं करेंगे क्योंकि 44 यहां पर भी है, 44 यहां पर भी है। आंसर होगा लॉर्ड वेवेल। वेवेल प्लान भी इसी में आएगा और लॉन्च ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे होगा यहाँ पर। वेवेल प्लान के साथ शिमला समझौता होगा, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में आएगा और इस प्रकार से कहा जाएगा कब हिंदुस्तान को आजाद करिए। हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए जो व्यक्ति आएगा वो ध्यान रखिएगा वायसराय बन करके आएगा, लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 में। जून का प्लान लेकर के आएगा, 3 जून प्लान लेकर के आएगा कि बंटवारा हम करेंगे और ये लास्ट वायसराय होगा। इसके बाद जब भारत आजाद हो जाएगा तब आजाद भारत में पहला गवर्नर जनरल बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया, थोड़ा याद रखिएगा, मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही है माउंट बेटन के आने तक, और उधर पहले से आप समझ चुके हैं कि हमारी आजादी हमको कैसे मिली थी। ठीक है, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन? एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि आगे हम बढ़े तो कहानी आपको पूरी क्लियर है कि 1858 से हमने पावर जो दे दिया वो ब्रिटेन की क्राउन को दे दिया। ब्रिटेन की क्राउन किस प्रकार से अपना सरकार चलाएंगी इसको समझते हुए हम थोड़ा कांग्रेस के स्थापना की तरफ बढ़ेंगे और फिर कांग्रेस के सेशन। राहुल गोस्वामी, अपूर्वा चौहान, शिवानी, ईशा, ईशान, अर्पित, सभी लोगों को ठीक ठीक समझ में आ रहा है? गुड। तो देखिए 1858 में हमने कहा कि अब यहाँ से क्राउन रूल शुरू होगा, ब्रिटेन की क्राउन का शासन यहाँ पर शुरू होगा और ब्रिटेन की क्राउन कैसे अपना शासन चलाएंगी ये समझना है, राइट? इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा इस एक्ट के बेसिक बातों को देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या चेंजेस करने पड़े। देखिए आप लोगों को आइडिया होगा कि 1784 में दो बोर्ड बनाए गए थे, एक को कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक को कहते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को आपस में मर्ज किया गया और 15 सदस्यों का एक पूरा काउंसिल बनाया गया और उसके चेयरपर्सन के रूप में भारत सचिव नियुक्त किया गया। ये इंग्लैंड में बैठेगा, भारत सचिव इंग्लैंड में बैठेगा और भारत सचिव सीधे सीधे जवाब देगा किसको? महारानी को। और भारत सचिव जो होगा इसके प्रति भारत का जो गवर्नर जनरल होगा वो जवाब दे होगा। हायरार्की समझिएगा, क्राउन सबसे टॉप पर बैठी हुई है महारानी ब्रिटेन, इनके नीचे इनको ठीक जवाब देने के लिए भारत सचिव ये बैठा रहेगा इंग्लैंड में और भारत सचिव जो रिपोर्ट मंगाएगा वो किससे मंगाएगा? वायसराय से या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से जो भारत में बैठा होगा। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सीधे महारानी के टच में तो नहीं रहेगा, बीच में कौन रहेगा? भारत सचिव। लेकिन महारानी को खुश करने के लिए भारत में सब कुछ अच्छा हो रहा है ऐसा रिपोर्ट भेजना इसकी मजबूरी भी होगी और जिम्मेदारी भी होगी। आगे बढ़ते हैं, 1858 में देखिए क्या क्या प्रमुख प्रावधान किए गए, क्योंकि ये प्रावधान आपकी परीक्षाओं में पूछेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डिसीजन जो लिया गया, क्या लिया गया? कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड की संसद सीधे तौर पर क्या करेगी? भारत के लिए कानून बनाना शुरू करेगी। मैंने क्या कहा सर, ये जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स आए हैं बीच बीच में वो डिटेल में डिस्कस होंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में डिस्कस होंगे भाई,
मैंने क्या कहा, अभी 9 लेक्चर हैं। अब देखो डिटेल डिस्कस कर रहे हैं ना आपके सामने, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अभी दो पहलू हैं, जैसे मान लो यदि हम लोग गांधीवादी आंदोलनों की बात करेंगे तो 1915 1917 से लेकर के और 1942 तक ये गांधीवादी आंदोलनों में सारी महत्वपूर्ण बातें डिटेल में डिस्कस होंगी। क्रांतिकारी आंदोलनों की बात करेंगे तो वो भी डिटेल में, इसी प्रकार से किसान आंदोलनों की बात करेंगे तो वो भी डिटेल में डिस्कस होगा। लेकिन ये सारी चीजें आपके दिमाग में एक साथ चलती रही हैं, इसके लिए टाइमलाइन का समझना बहुत जरूरी होता है कि क्या हो रहा था, क्योंकि जिस समय किसान आंदोलन चल रहे होंगे उसी समय कहीं क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहे होंगे, तो ईयर्स हो सकता है कि सेम सामने आए, तो आपको पूरा एक व्यू रखना है कि हिंदुस्तान किस तरीके से उस समय आगे बढ़ रहा था। ठीक है, हमने क्या कहा, 1858 के अधिनियम में बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC और BOD यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। और मैंने आपको बताया कि जो वायसराय भारत में होगा, ये वायसराय भारत सचिव के प्रति जवाबदेह होगा। सबसे पहला वायसराय हमारा यहाँ इंडिया में कैनिंग बना। ठीक है, अब भारत का जो शासन चलेगा वो 15 सदस्यों की एक परिषद की सहायता से चलेगा। कानून बनेंगे कहाँ पर, ब्रिटेन की संसद में, और वो लागू होंगे भारत में। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आपको जानना चाहिए कि जो 15 सदस्यों की परिषद बनाई गई, इसमें भारतीय जनता कोई भी स्थान नहीं दिया गया, यानी कि हमारे लिए जो कानून ब्रिटेन के संसद में बन रहा है उस कानून में कोई भी, उस कानून को बनाने में कोई भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं होगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया कानून हमारे लिए बना करके वो देंगे। अच्छा, 1858 के अधिनियम से आगे बढ़ते हैं तो 1861 का काउंसिल एक्ट आता है, भारतीय परिषद अधिनियम इसे कहते हैं, या भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यह अधिनियम मुख्यतः देखिए इसलिए लाया गया था कि जो भारतीय उग्र हो रहे थे उनको कैसे नियंत्रण में रखा जाए। राइट, क्यों उग्र हो रहे थे, 1857 में विद्रोह हुआ था आपको मालूम है, और 1861 में काउंसिल एक्ट लाया गया था, तो कैसे इनको नियंत्रण में रखा जाए उसके लिए देखिए कानून बनाए गए। कानून कौन कौन से बनाए गए, एक तो IPC बनाई गई, इंडियन पिनल कोड। आज भी आप पढ़ते हैं जो 302 306 जो धाराएं 307 376 375 जो जिसमें आपको जेल भेजा जाता है, वो सब किसकी धाराएं हैं, इंडियन पिनल कोड की धारा है। कैसे पिनल कोड को लागू किया जाए, क्या प्रोसीजर होगा, ट्रायल कैसे होगा, उसके लिए CRPC बनाया गया, और सिविल प्रोसीजर कोड बनाया गया स्पेशली जमीन जायदाद के विवाद के संबंध में। अब जरा मुझे कमेंट करके बताइए कि 1861 में जो ये सब चीजें आ रही हैं, इस समय भारत में वायसराय कौन है, किसके वायसराय रहने के दौरान IPC CRPC और CPC लाया गया, फटाफट जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहीं पर 1861 में ही आप देखिए, 1861 में ही आप देखिए तो कहा जा रहा है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का पावर दिया गया, यानी कि यदि परिषद से काम नहीं चल पा रहा है, परिषद वहां पर कानून नहीं बना पा रही है, तो अध्यादेश किसी भी कानून को इमीडिएट जारी करने के लिए क्या करेगा, वायसराय अध्यादेश जारी कर देगा। ठीक है, प्रशासकीय कार्यों में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, शैली यदि आप क्लास में तो मुझे बताइए कि हाँ बिल्कुल, कि इसी डिटेल की आप बात कर रही थी ना या कुछ और। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत करी गई, जिस प्रकार से आज आप पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी नया डिपार्टमेंट या नया विभाग या मंत्रालय बनाने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, उसी प्रकार से नए पोर्टफोलियो की गठन करने का जो पावर था वो वायसराय का था। वायसराय को बजट प्रस्तुत करने का पावर दिया गया। आज भी जो आप देखते हैं कि वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करती हैं, वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट प्रस्तुत करती हैं, तो वायसराय को बजट प्रस्तुत करने का पावर 1861 की काउंसिल एक्ट से दिया गया। आगे बढ़ते हैं, 1861 के काउंसिल एक्ट की यदि हम प्रभाव की बात करें कि क्या क्या इम्पोर्टेंस उसका अभी हमको दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है लेकिन आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। चलिए, अभी भी आप देख रहे हैं कि तब से बना हुआ कानून यानी कि 1861 से बना हुआ कानून अभी भी IPC CRPC और CPC लागू है। जो अध्यादेश का पावर 1861 के काउंसिल एक्ट से मिला था वायसराय को,
वही अध्यादेश राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 में मिला हुआ है, वहां से आया हुआ है, और वही अध्यादेश का पावर अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को दिया गया। हमने कहा कि पोर्टफोलियो सिस्टम में वायसराय को राष्ट्रपति जिस प्रकार से पोर्टफोलियो में विभाग बनाने का पावर था, वैसे ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रपति को विभाग या मंत्रालय गठन करने की पावर होती है। बजट प्रस्तुत करने की व्यवस्था जो हमने बताई उस समय वायसराय को दी गई थी, और वही व्यवस्था यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, राष्ट्रपति के विभाग पर वित्त मंत्री करते हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1861 में ही पहली बार भारतीय परिषद में भारतीय जनता के बीच से प्रतिनिधि नामजद करने की शुरुआत की गई, और यहीं से भारतीय जनता का ब्रिटिश शासन व्यवस्था में भागीदारी शुरू हो गई। देखो हम चाहते क्या थे, हम यही तो चाहते थे कि हम अपना कानून बनाए। 1861 में काउंसिल में, वायसराय की काउंसिल में एक भारतीय मेंबर नामजद होगा, ऐसी शुरुआत कर दी गई, और देखते देखते 1885 में हमने क्या बना लिया, कांग्रेस बना लिया। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से देखिए, कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर रह करके, यानी कि सिस्टम से थोड़ा बाहर रह करके तमाम संस्थाएं बना करके, सभाएं बना करके हिंदुस्तान की जनता को मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें से एक बहुत बड़ा नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस 1876 में इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था बनाएंगे। जरा ध्यान से समझना ये क्यों आपको पढ़ा रहा हूँ। जब अभी आप आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अचानक से तो बनेगी नहीं, पहले से कई सारी संस्थाएं रहेंगी। तो कांग्रेस पूर्व की संस्थाएं नहीं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में हिंदी में ही चलेगा, थोड़ी देर पेशेंस रखिए। बहुत देर तक इंग्लिश में चलता रहा, किसी ने कोई बात नहीं कही। आई थिंक कि इतना हिंदी तो इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन एसोसिएशन शब्द ही इंग्लिश का है। देखो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस सब नाम है, तो हिंदी में हो इंग्लिश में कोई मैटर नहीं। आप कंटेंट को पढ़ने की कोशिश मत करिए ना, जो मैं बता रहा हूँ जहाँ पर मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ उस पर बात करिए, ठीक है, उस पर फोकस रखिए। तो इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था कब बनी, 1876 में, 1876 में। इसके बाद पूना में एक सार्वजनिक सभा इन्होंने बनाया, राइट। ये संस्थाएं दोनों काफी तेजी से शक्तिशाली हो रही थी, इसमें भारत के लोग जुड़ते चले जा रहे थे। 1883 में, 1883 में A.O. ह्यूम जो थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम से एक पत्र प्रकाशित किया गया, जिसमें भारत के सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक उत्थान के लिए एक संगठन बनाने की अपील की गई। इट वॉज द मास्टर स्ट्रोक, यहीं से इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात निकल के आएगी। कहा गया कि भारत की सोशल और मॉरल और पॉलिटिकल उत्थान के लिए एक संगठन बनाया जाए, ऐसा एक पत्र जारी किया गया, किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा। और A.O. ह्यूम के प्रयास ने भारतवासियों को प्रभावित किया, और राष्ट्रीय नेताओं तथा सरकार के उच्च पदाधिकारियों से विचार विमर्श के पश्चात A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की, देखो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना करी थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको समझाऊंगा, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की बात किसने करी, A.O. ह्यूम ने, लेकिन दादा भाई नेहरू जी के रिकमेंडेशन पर इंडियन नेशनल यूनियन ही कन्वर्ट हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में, INC में। तो इंडियन नेशनल यूनियन कन्वर्ट हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दादा भाई नेहरू जी। लेकिन ये बात तमाम उन भारतीय नेताओं को बड़ी अच्छी लगी जो अलग अलग संगठन बना करके चाह रहे थे कि हम अंग्रेजी सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं, अंग्रेजी सरकार तो हमारे लिए खुद ही काम कर रही है, और उन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन बनाया है, और दादा भाई नेहरू जी के कहने पर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया। तो जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यदि ऐसा सवाल परीक्षा में आ जाए कि A.O. ह्यूम ने शुरुआती दौर में जो संस्था बनाई थी उसका नाम क्या था, तो आंसर इंडियन नेशनल यूनियन होगा, और किसके रिकमेंडेशन पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस पड़ा, तो आंसर होगा दादा भाई नेहरू जी के नाम पर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन जल्दी समझ आता है कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस बनती है, कांग्रेस में दो विचारधाराओं के लोग आते हैं। कांग्रेस का विचारधाराओं पर बात करते हैं, कांग्रेस का जो पहला सेशन होता है वो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पर होता है, बंबई में, और पहले सेशन की अध्यक्षता जो करते हैं वो W.C. बनर्जी, जिसे आप व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी ये अध्यक्षता करते हैं। इसी समय आप नोटिस करेंगे कि कांग्रेस के अंदर जो उस प्रकार के नेता हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस तो बस सेफ्टी वॉल्व के रूप में बनाई गई है, वो कहते हैं कि भारतीय जनता जो उग्र होकर के अपने कानून बनाने की बात करती थी, बस उनको शांत करने के लिए सेफ्टी वाल्व थ्योरी दी गई है,
और सेफ्टी वाल्व थियरी का जो सर्वप्रथम प्रस्तुत करते हैं पूरा कॉन्सेप्ट, वो होते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की डेथ किस ईयर में होती है जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा फटाफट, डेथ कब होती है। ये एक पत्र जारी करते हैं यंग इंडिया, और इस यंग इंडिया में लाला लाजपत राय समझाने की कोशिश करते हैं कि जो कांग्रेस बनी है ये सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी वाल्व के रूप में है, यानी कि नीचे का जो प्रेशर है हिंदुस्तान की जनता का अंग्रेजी हुकूमत पर उसको रोकने के लिए एक संगठन बना दिया गया है। ठीक है, एक्चुअली में जो कांग्रेस है वो भारतीय जनता की इच्छा नहीं बल्कि एक तरीके से सेफ्टी वाल्व के रूप में रुकी हुई है। अलग अलग लोग कांग्रेस को लेकर के अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट देते हैं, कोई इसको कल्याणकारी संस्था कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन इसी में से कुछ लोग इसको लॉर्ड डफरिन का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी मानते हैं कि लॉर्ड डफरिन ने एओ ह्यूम के साथ मिलकर के भारतीयों को क्षणिक रूप से संतुष्ट करने के लिए क्या करा है, कांग्रेस बनाया है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो बात निकल करके आती है कि कांग्रेस बनी, अब ये जो तथ्य है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इनको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। कांग्रेस बन गई, अब कांग्रेस का रोल किस तरीके से आप समझेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने आपसे कहा था कि कांग्रेस के रोल तक आपको आज पढ़ाऊंगा। तो कांग्रेस बनी कब, 1885 में। 1885 से चल करके 1947 तक की यात्रा हमें एक बार फिर करनी पड़ेगी कांग्रेस सेशन के माध्यम से, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्टेब्लिश हो चुकी थी। कुछ महत्वपूर्ण सेशन ही आपको याद रखने हैं, जहां जहां मेन मेन क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए कहा जा रहा है आपसे कि 1885 में कांग्रेस बनती है, पहला सेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, बॉम्बे में, और इसमें प्रेसिडेंट होते हैं WC बनर्जी। ये फर्स्ट सेशन था, इसमें कुल 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। दूसरे सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं तो 1886 में कलकत्ता सेशन होता है, दूसरे सेशन को चेयर करते हैं दादा भाई नेहरू जी। याद रखेंगे दादा भाई नेहरू जी दूसरे ही सेशन को चेयर करते हैं। यहाँ पर तीसरे सेशन की तरफ आगे देखते हैं तो 1887 में, क्रमिक ईयर में चलता रहेगा, तीसरा सेशन होता है मद्रास में। नोटिस जरा करिएगा, कलकत्ता मद्रास, पहला सेशन बॉम्बे, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, यानी कि अब कांग्रेस पूरे भारत को अपने ग्रिप में लेना चाहती है और सभी धर्मों को साधना चाहती है। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम चेयरपर्सन ऑफ द कांग्रेस। कई बार पूछा गया अपील मेड टू मुस्लिम टू ज्वाइन हैंड्स विद अदर नेशनलिस्ट लीडर्स, मतलब बदरुद्दीन जी को बनाने का मेन पर्पज यही था कि कांग्रेस को अधिक से अधिक मुसलमान ज्वाइन करें, इसके लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने अपील भी करा। 1888 में इलाहाबाद में सेशन होता है, जॉर्ज यूले फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। इस पर सवाल दो तरीके से पूछा जाता है कि कांग्रेस के अंदर फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन था, जॉर्ज यूले, कहाँ पर चेयर हुआ था ये, इलाहाबाद में। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो 1889 में बॉम्बे सेशन होता है, इसमें कुछ खास चीजें नहीं होती हैं तो स्किप करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 1888 से लेकर के यहाँ पर कोई भी ऐसा खास कारण नहीं, बस जनरल मीटिंग हर साल हो रही थी, मीटिंग होती रही, बातें आगे बढ़ती रही। इसी बीच में 1992 का परिषद अधिनियम आएगा, मैंने पहले आपको डिस्कस कर लिया है, वहां पर बजट की बात करी जाएगी, बजट पर डिस्कशन का पावर दे दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कांग्रेस का एक सेशन होगा 1896 का, जो बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा, समझने की कोशिश करिएगा। 1896 का जो बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा वो कलकत्ता में होगा और इसको चेयर कर रहे होंगे रहमतुल्ला एम साइनी, और इसी सेशन के अंदर नेशनल सॉन्ग जिसे आप कहते हैं वंदे मातरम पहली बार गाया जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया, तो आंसर होगा कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में 1896 में, 1896 में। अब देखो आपके सोचने का जो नजरिया होगा ना वो यहीं से कनेक्ट करेगा कि 1896 में कौन वायसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, तो फटाफट जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि 1896 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। आगे बढ़ते हैं 97 में अमरावती में सेशन होगा, अमरावती में, और यहाँ पर सी शंकरन नैयर, कोई खास काम नहीं होगा, जहां पर खास काम होगा हमें बस वही सेशन याद रखना है।
1905 से आपको चीजों को बहुत ध्यान में समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आंदोलन तेजी से आगे बढ़ेगा, कांग्रेस में फूट पड़ने वाली है, थोड़ा सा अपना अटेंशन बढ़ा के रखिएगा, ठीक है। 1905 में क्या होगा, बनारस में सेशन होगा, इस बनारस सेशन को चेयर करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, और ये कहेंगे कि जो बंगाल का पार्टीशन है ये यहाँ पर सही नहीं है, ध्यान से समझिएगा। और इसी बात को 1906 में दादा भाई नेहरू जी समझाने की कोशिश करेंगे कि जो स्वराज है, यानी कि हमें स्वराज चाहिए, लेकिन हम वायलेंट मार्ग पर जा करके स्वराज नहीं लेंगे। स्वराज शब्द का जो पहली बारी प्रयोग हुआ था, बहुत बढ़िया, स्वराज शब्द का जो पहली बारी प्रयोग हुआ था वो कब हुआ था, 1906 के कलकत्ता सेशन में। कौन चेयर कर रहा था, दादा भाई नेहरू जी। 1807 में आप जानते हैं सूरत स्प्लिट होता है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इसको चेयर कर रहा था, तो सूरत स्प्लिट के टाइम पर रास बिहारी घोष ये चेयर कर रहे थे, याद रखिएगा रास बिहारी घोष। पार्टी टूट जाती है एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट्स में, यानी कि नरम दल और गरम दल में पार्टी टूट जाती है। 1808 में मद्रास में सेशन होता है, फिर चेयर करते हैं रास बिहारी घोष, वही सेशन कंटिन्यू होता है जो 1907 में टूटा हुआ था। 1909 में लाहौर में सेशन होता है और मदन मोहन मालवीय इसको चेयर करते हैं, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आप जानते हैं इस समय आता है। 1910 में इलाहाबाद में सेशन होता है और विलियम वेटबर्न करते हैं, इसमें भी कुछ खास बात होती नहीं है। 1911 में कलकत्ता सेशन, ये काफी महत्वपूर्ण है। देखो दो सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, अभी एक जो मैंने आपको वंदे मातरम वाला बताया है और एक 1911 का सेशन। 1911 के सेशन में जनगण मन को पहली बार गाया जाता है यहाँ पर, 1911 के सेशन में। इसी बीच में स्वदेशी आंदोलन पर हम लोग बात करेंगे, जब गांधीवादी आंदोलन बताएंगे तो उससे पहले के प्रमुख आंदोलन को एक साथ कवर करेंगे, तो उसमें स्वदेशी आंदोलन पर हम बात करेंगे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन दोनों वहां पर कवर होगा, इसलिए उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन को मैंने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा तो उसको स्किप कर रहा हूं मैं, आगे हम पढ़ेंगे कहां पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की तरफ। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बंगाल विभाजन हो चुका है, सूरत स्प्लिट हो चुका है, और आप 1911 में जनगण मन गा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग उसके बारे में आपको कुछ बातें समझना बहुत आवश्यक है। मुस्लिम लीग को लेकर के, मुस्लिम लीग बनती है 30 दिसंबर 1906, कहाँ बनती है, ढाका में बनती है, नवाब ख्वाजा समीमुल्ला के माध्यम से, और यही मुस्लिम लीग देखिए डिजॉल्व होती है 17 दिसंबर 1947 को, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहे थे। 1911 सेशन को मैंने बताया, यहाँ पर विशन नारायण धर ये चेयर कर रहे थे, विशन नारायण धर चेयर कर रहे थे जनगण मन, जिसमें गाया गया था पहली बार 1911 वाले सेशन को, कलकत्ता में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आप लोगों किसी प्रकार का, यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो बताइएगा मुझे। मैंने क्या कहा, हम बात कर रहे थे मुस्लिम लीग को लेकर के, तो मुस्लिम लीग 17 दिसंबर 1947 और सक्सीडेड बाई मुस्लिम लीग इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग बना उसके द्वारा ये सक्सीड करती है पार्टी, और आगे चल करके आप देखेंगे कि अवामी लीग बनती है बांग्लादेश में और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनती है इंडिया में, इसका हेडक्वार्टर फिर लखनऊ बनाया जाता है वहाँ पर जब बनी थी। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, और जो लोग इससे जुड़े हुए थे उनका नाम याद रखना है, ये नाम सारे नाम तो नहीं याद रखेंगे लेकिन शुरू में कुछ नाम आपको याद रखने, जैसे यहाँ पर आपको ए के फजलुल हक का नाम याद रखना है, आगा खान का नाम याद रखना है, राइट, ये हुसैन सईद सुहरावर्दी का नाम याद रखना है, फिरोज खान नून का नाम याद रखना है, ख्वाजा नजीमुद्दीन का, लियाकत अली खान का, ये लोग इससे जुड़े हुए थे मुस्लिम लीग से, तो इनके नाम आपको कई बार पूछ लेता कि कौन इसमें मुस्लिम लीग से नहीं जुड़ा था, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते करते चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, 1906 में मुस्लिम लीग बनती है, 1909 में इनको सेपरेट इलेक्टोरेट का पावर मिलता है। 1909 में जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था इसके बारे में जरा सा समझ लीजिए कि क्या बातें करी गई थी। जो प्रांतीय विधान परिषद थे
एक बात तो क्लियर थी कि इसका जो मेन फंक्शन था मॉरल मेंटो रिफॉर्म का, बस वही था कि किसी भी तरीके से हमें अपने व्यवस्था को आगे बढ़ाते रहना है, और उसमें वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। उनको लगता था कि यही तरीका है जिसको हम आगे बढ़ा करके अपना काम कर पाएंगे। तो इसमें जो मुख्य धाराएं थी कुछ इस प्रकार से थी कि जो निर्वाचित सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, और स्थानीय निकायों में जो लोकल बॉडीज थी उसमें निर्वाचित निर्वाचन परिषद का गठन होता था, और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करते रहते थे। जो प्रांतीय विधान परिषद थे उनके जो सदस्य थे वो केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। मतलब ओवरऑल इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड जो था वो यहाँ से शुरू हो गया था। बस आप इसको इतने में ही समझें कि इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड से काम आगे बढ़ रहा था। ठीक है, 1909 के काउंसिल एक्ट से हम आगे बढ़ेंगे। तो यही इसी के बाद से आप देखेंगे कि दौर शुरू होता है। 1913 में एक पार्टी बनती है, गदर पार्टी। कहाँ पर बनती है जरा कमेंट करके मुझे फटाफट बताइए कि 1913 की गदर पार्टी कहाँ पर बनती है। तो 1913 की गदर पार्टी आप देखेंगे कि तो ये बनती है सैन फ्रांसिस्को में, लाला हरदयाल इसको फाउंड करते हैं। तो यहाँ पर भारत के बाहर रह करके कई सारी गतिविधियां शुरू होती हैं। इसी में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनती है 1905 में, श्याम जी कृष्ण वर्मा बनाते हैं लंदन में। तो ये सारी गतिविधियां जब आती हैं, जब हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें इन सबको एक साथ पढ़ेंगे। अभी हम लोगों का मेन फोकस क्या है, कांग्रेस की, कांग्रेस का जो वो हुआ है सेशन, उस पर बात करेंगे। तो कांग्रेस सेशन पर हम लोग 1911 तक पहुंच चुके थे, अब 1912 में देखते हैं जरा। 1912 से लेकर के 1915 तक आप देख रहे हैं कोई भी इम्पोर्टेंट सेशन नहीं है। 1916 का सेशन सबसे महत्वपूर्ण है। 1916 का सेशन क्या है, लखनऊ पैक्ट। बहुत बढ़िया, सैन फ्रांसिस्को, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन को चेयर कर रहे थे अंबिका चरण मजुमदार, एसी मजुमदार। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंबिका चरण मजुमदार सेशन इसको चेयर कर रहे थे। 1917 का जो सेशन है ये कलकत्ता में हुआ, इसको एनी बेसेंट चेयर कर रही थी। और ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष, ध्यान से समझना, यहाँ पर बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बनता है और अक्सर ही बनता रहता है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन कांग्रेस की रही, तो आंसर होगा एनी बेसेंट। किस ईयर में रही, 1917 में। और फिर आगे बढ़ेंगे, 1918 में बॉम्बे सेशन होता है, बॉम्बे एंड दिल्ली सेशन। दो सेशन हेल्ड किए जाते हैं, पहला बॉम्बे में, दूसरा दिल्ली में। सैयद हसन इमाम बॉम्बे में चेयर करते हैं और मदन मोहन मालवीय दिल्ली में चेयर करते हैं। 1919 के अमृतसर सेशन को मोतीलाल नेहरू, और यहाँ पर देखिए जो जलियांवाला बाग कांड हुआ रहता है उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं कि नहीं गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1919 के अमृतसर में। इसके बाद बीच में आप जानते हैं गांधीवादी आंदोलन शुरू हो जाएंगे, गांधी जी आएंगे। तो गांधीवादी आंदोलनों पर हम अलग से बात करेंगे, इसलिए यहाँ पर गांधी को एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि गांधी को एंटरटेन करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त गांधी के अंदर गांधी जी लेंगे, और गांधी जी पर सेपरेट लेक्चर लेना ही है, तो हम वहीं पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 1919 में आप जानते हैं जलियांवाला बाग कांड होगा, और उसके बाद जब अमृतसर सेशन होगा तो मोतीलाल नेहरू उसको चेयर करेंगे और वहां पर वो स्ट्रांगली कंडेम करेंगे। अब फिर बात बढ़ेगी कांग्रेस की, बीच में जो और दूसरे काम हो रहे हैं जिसका टाइमलाइन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो उस टाइमलाइन पर हम लोग बात कर ही चुके हैं, और आगे आंदोलनों पर अलग से बात होगी, तो अभी हमें उसको इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस सेशन पर बात कर रहे हैं। 1920 में क्या होगा, नागपुर सेशन होगा, कोई खास काम नहीं। तो 1920 से लेकर के 1924 तक कोई खास काम यहाँ पर हो नहीं रहा, आप देख पा रहे हैं। 1925 में जब हम आते हैं तो 1925 में एक सेशन होता है कानपुर में, और सरोजिनी नायडू इसको चेयर करती हैं। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर मैं यहाँ पर आपसे बोलना चाहूंगा कि जो फर्स्ट इंडियन वुमन है, यदि ऐसे सवाल पूछे कि फर्स्ट इंडियन वुमन कांग्रेस की प्रेसिडेंट कब रही, तो 1925 वाले सेशन में सरोजिनी नायडू थी। और यदि ये पूछे कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो एनी बेसेंट का नाम आएगा। मुझे जरा इस पॉइंट पर कमेंट करके बता दीजिए कि दोनों बातें ये वाली स्पष्ट हो रही हैं कि फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट इंडियन वुमेन में क्या अंतर है, क्लियर है ना। चलिए, 1926 में गुवाहाटी में सेशन होगा, कोई खास बात नहीं। 1927 में मद्रास में सेशन होगा, कोई खास बात नहीं। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना होगी, ये होगी 1928 में कलकत्ता सेशन में मोतीलाल नेहरू। 28 में ही मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट देंगे और कहेंगे कि भारत को डोमिनियन स्टेटस में कन्वर्ट करिए। 1929 का सेशन, 1929 का सेशन बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होगा, क्योंकि ये सेशन लाहौर में होगा और जवाहरलाल नेहरू यहीं पर रिजोल्यूशन पास करेंगे पूर्ण स्वराज का।
पूर्ण स्वराज का 26 जनवरी का दिन चुना जाएगा इंडिपेंडेंस डे के रूप में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 1926-1929 तक आप पहुंच चुके हैं। 1929 के बाद 1930 में कोई सेशन नहीं होगा। 1931 में 1924 का बेलगाम सेशन गांधी जी ने चेयर करा था, ठीक है। शायद मैंने आप लोगों को बताया नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट उसमें एक्टिविटी नहीं थी, बस इतना ही याद रखना है 1924 का बेलगाम सेशन उन्होंने चेयर करा था। 1931 में कराची सेशन, वल्लभ भाई पटेल, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, मौलिक अधिकार पर, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक रिजोल्यूशन पास करा था। और जो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस गांधी इरविन पैक्ट इंडोर्स्ड, गांधी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंटेटिव आईएनसी इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो सब इसी में हुआ। कि जो आप पढ़ते हैं कि गांधी जी दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वहां पर ब्रिटेन गए थे, कि एकमात्र राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो गए थे, तो वो नॉमिनेशन भी यहीं पर होता है 1931 के कराची सेशन के अंदर ही, ठीक है। 1932-33 से लेकर के 36 तक आप देख पा रहे हैं कोई भी खास इम्पॉर्टेंट सेशंस नहीं है जिसमें कुछ बहुत बड़ा निर्णय लिया गया हो। इसके आगे हम बढ़ेंगे 1936 के आगे, तो 1937 के बाद आप देखेंगे जो कि प्रोविंशियल चुनाव में कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी और कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में सामने आएगी। यानी कि आप हिंदुस्तान में यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो एकमात्र कांग्रेस है। इंडिया विदेशों में, इंडिया का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब इंडिया, कुछ ऐसा फील होने लगेगा लोगों को। और इस प्रकार से कांग्रेस आगे बढ़ेगी तमाम अपने राजनीतिक उसको लेकर के, राजनीतिक उपायों को लेकर के कांग्रेस को ये फील होने लगेगा कि अब मेरे अलावा यहाँ पर कोई और बड़ा पावर के रूप में नहीं है, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा, ऐसा इनके मन में आने लगेगा। और आगे आपने देखा था कि इसी बीच में क्या शुरू हो जाएगा, विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा तब कांग्रेस फुल फॉर्म में आ जाएगी और कहेगी कि अब आप सभी लोग छोड़ दीजिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, आपको भारत से भगा देंगे, नहीं आप छोड़ेंगे तो आपको भारत से भगा देंगे। और इस क्रम में आप देखिए 1936 में क्या होगा, 1936 में एक सेशन होगा फैजपुर में और इसको चेयर करेंगे जवाहरलाल नेहरू। अब ध्यान से समझिएगा, अभी तक कांग्रेस बड़े बड़े शहरों में क्या करेगी, सेशन करेगी, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगेगा कि अब हमें गांव की तरफ भी मूव करना चाहिए ताकि ग्रामीण भारत के लोग भी पूरी तरीके से कांग्रेस से जुड़े। और फैजपुर में पहला सेशन होगा, जवाहरलाल नेहरू इसको चेयर करेंगे, ये फर्स्ट रूरल सेशन होगा, पहली बार कांग्रेस ग्रामीण एरिया में करेगी अपना सेशन। 1938 में हरिपुरा में, और इसको चेयर करेंगे सुभाष चंद्र बोस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन से सेशन को चेयर किया था, तो आंसर होगा 1938 का हरिपुरा सेशन। इसी में सुभाष चंद्र बोस नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप करते हैं नेहरू के लीडरशिप में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि नेशनल प्लानिंग कमेटी किसके लीडरशिप में चेयर करी गई थी, तो आंसर होगा नेहरू, पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। 1939 में त्रिपुरी सेशन होता है और सुभाष चंद्र बोस चेयर करते हैं इसको। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस को इलेक्ट किया जाता है, लेकिन पट्टाभि सीतारमैया के कारण, गांधी जी के कारण इनको रिजाइन करना पड़ता है 1939 के सेशन से। और उसके बाद 41 में ये आगे बढ़ते हैं देश छोड़ करके जर्मनी की तरफ। 1940 का सेशन रामगढ़ में होता है और अबुल कलाम आजाद कोई खास काम नहीं, कोई सेशन नहीं होता है कांग्रेस का 41 से लेकर के 45, यानी 4 साल कोई भी सेशन नहीं होता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। 41 से लेकर के 45 तक कोई भी सेशन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के सभी बड़े नेता लगभग गिरफ्तार थे। 1946 में मेरठ सेशन होता है, आचार्य कृपलानी इसको चेयर करते हैं। और ये आपको इन्फॉर्मेशन ये रखनी है कि ये लास्ट सेशन था, आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले, यानी कि 47 में हम आजाद होते हैं, तो 47 से ठीक पहले 1946 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था वो आचार्य जेबी कृपलानी ने चेयर करा था मेरठ में। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1949 में जयपुर में होता है और इसको चेयर करते हैं पट्टाभि सीतारमैया। ये स्वतंत्रता के बाद का पहला चेयर था, पहला सेशन था, ठीक है। और 1950 नासिक में होता है पुरुषोत्तम दास टंडन, और इसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ से कांग्रेस हर साल अपना
सेशन करती रहती है। अब इसके बाद वाले सेशन हमसे परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं कि राहुल गांधी ने चेयर किया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था, प्रियंका जी ने किया था, ये पूछे ही नहीं आते हमसे ना। तो जितना हमसे पूछा जाता है उतना सेशन हमने आपको बता दिया। तो फाइनली मैं कंक्लूड करूं तो आप मुझे बस इतना बता दो कि कांग्रेस सेशन आपको सारे मैंने इंपॉर्टेंट सेशन बता दिए। यदि एक बार भी आप रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, याद होगा। वायसराय और गवर्नर जनरल ने कौन कौन से प्रमुख कार्य किए वो हमने आपको बता दिया, पूरी यात्रा करा दी हमने, और ओवरऑल तमाम प्रकार के आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए हम किस प्रकार से स्वतंत्र हुए, कौन कौन सी लड़ाई हमने लड़ी वो हमने आपको बता दिया। अब जब सेपरेट सेशन होगा तो ये एक सेशन युद्ध पर होगा, एक किसान आंदोलन पर होगा, एक गांधीवादी आंदोलन पर होगा और एक संगठन पर होगा, पत्र पत्रिकाओं पर होगा। तो अगले 6 लेक्चर में ही इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, ऐसा मेरा आपसे पूरा विश्वास के साथ एक वादा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास भी आपको समझ में आ गई होगी। बस आप एक बार मुझे फाइनली कमेंट करके बता दीजिए कि आपको पूरी क्लास समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूजन किसी प्रकार का नहीं। तो सभी लोगों को शुभ रात्रि। लगभग मान के चलो कि 2 घंटे के आसपास की क्लास कल भी आपकी होनी रहेगी, ठीक है। थैंक यू।